अच्छो गुड मॉर्निंग. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस CA एंड CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस. प्रोबेबली दिस पर्टिकुलर बैच हम जो ले रहे हैं यहाँ पे फेस टू फेस स्टूडेंट्स भी है एंड एज वेल एज इंडिया से पूरे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड है. आई एम श्योर फाइनल के क्लासेस आपके पहले भी हो चुके होंगे ग्रुप वन के एंड दिस विल बी योर फर्स्ट और मे बी सेकेंड ऑफ ग्रुप टू, राइट. चलिए डायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आई एम श्योर आपने पहली बार तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है. ये सब्जेक्ट आप लोगों ने पहले भी इंटर लेवल्स पे पढ़ा है एंड देन कमिंग टू फाइनल लेवल्स. क्या डिफरेंट होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ. देखिए इंटर लेवल पे आप पहली बार टैक्सेस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बेसिक्स जो है ये आप पहली बार पढ़ते हैं. बट वेन इट कम्स टू फाइनल ओइंग टू योर आर्टिकलशिप ऑल्सो कई चीज़ों और कई रेफरेंसेस से आप ऑलरेडी नोन हैं. Yes or no? But हमें डीप डाइव करना पड़ता है कहां कहां पे? डीप डाइव करना पड़ता है बहुत सारे चीजों पे जिसको आपने आर्टिकलशिप के अंदर में कभी नहीं देखा. सर वो कौन कौन सी चीजें हैं? Yes, पहला हो गया the international taxation portion. Yes, many offices do not contain the provisions or do not deal with the international taxes. Right? जिसको यहाँ पे डील करना पड़ता है. So this will be altogether the new part which you will learn in finals. Yes. Second, taxation of various entities. Taxation of various entities में कौन-कौन से आ गए? जैसे taxation of trust हो गया, फिर taxation of investment fund हो गया, taxation of securitization trust हो गया. इसको बहुत सारे लोग डील ही नहीं किए हैं आज तक के. तो ये सारे टॉपिक्स भी आपके लिए न्यू टॉपिक्स बन जाते हैं. Yes or no? Then coming to the new topics which has been introduced by the Finance Act, जैसे वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन. आप लोगों ने सिर्फ इस बारे में सुना होगा दैट यू नो बिटकॉइंस है, लेकिन इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स के बारे में अब तक डील नहीं किया, राइट. उसके बाद में NFTs है जो आप लोगों ने सुना होगा. अब देखेंगे तो क्लाइंट लेवल पे भी हमको इसके बहुत ज्यादा काम नहीं मिले अब तक के, बट यू नो इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स आर देयर, राइट. इसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आर्टिकलशिप तो करी है लेकिन काम नहीं किया, राइट. आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू माइट बी इन ऑडिट पार्ट, ऑडिट पार्ट के अंदर में रहे होंगे जिसमें टैक्सेशन का जो काम है सीखने के लिए बहुत कम मिला होगा. हाँ या हाँ, राइट. तो आई अज्यूम टैक्स ऑडिट्स आप लोगों ने कंडक्ट किए हैं इंडिपेंडेंटली पूरे? नहीं 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 नहीं. ओके. सो अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ फेस टू फेस में भी बैठे हैं, आई अज्यूम कि ऑनलाइन भी जो बैठे हुए हैं, राइट, ये मैक्सिमम लोग काहे के अंदर में होते हैं, या तो स्टार्ट ऑडिट के अंदर में होते हैं, राइट. आर्टिकलशिप जब पहले पहले चालू करते तो ऐसा लगता है ना, नहीं भाई ऑडिट सीखना अपने को, है ना, तो स्टार्ट ऑडिट में चले जाते हैं. चार महीने बाद उनको सच्चाई समझ आ जाती है. चार महीने बाद जब वो लोग ऑडिट करना चालू करते तो समझ में आ जाती है यार थोड़ा टैक्सेशन का पार्ट भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए था, राइट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टैक्सेशन के अंदर में थे उन्होंने भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स छोड़े हुए हैं. जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेनी ऑफ द स्मॉल ऑफिसर्स डू नॉट हैव दिस प्रोविजन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर. या असेसमेंट वो करने भी मिलता है उनको ऑफिसर्स के अंदर में, तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक पहुँच पाते हैं? 147 तक के पहुँच पाते हैं, जबकि असेसमेंट्स उससे बहुत ऊपर है. सर्च एंड सीजर जो है इससे बहुत ऊपर है. अपील्स एंड रिविजन वाले काम वो उन्होंने कभी किए ही नहीं है. आई विल मेक श्योर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू जस्ट डोंट गो विद द थियरी, यू ऑल्सो गो विद द प्रैक्टिकल विच विल हेल्प यू not just in clearing the examination but also after the examination. ek logical sequence final level ke approach mein ek aur cheez difference hoti hai. puchiye kya inter level tak ke na aapko kya karna hota hai? sirf law ko samajhna hota hai, kyunki aapko intermixing questions nahi puche jate except the one jo total income wala question hota hai. barabar hai ki nahi hai, right? but final level aisa nahi hai. final ka approach altogether different hai. फाइनल में whenever they'll ask you a question, no, they will always interlink one chapter with the another chapter. I mean to say, they'll always interlink capital gain with the TDS aspect. They will always interlink, PGBP with the deduction and TDS aspect, including one or the another thing from advanced tax, one or the another thing from set off. और यही चीज interlinking के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है. Yes, कितने टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटर में कितने टॉपिक थे, कुछ याद है? रफली 16 टॉपिक थे, बराबर है. फाइनल लेवल पे कितना टॉपिक है आपको आइडिया है? बेसिक आइडिया कि थोड़ा सा डरा दूं पहले ही. सर फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स कंबाइंडली देयर विल बी 52 टॉपिक्स. सर मतलब वो तो इंटर वाला ही नहीं संभल रहा था, फाइनल वाला आप बता रहे हो, है ना. 52 टॉपिक्स और संभल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अगर मैं आप मेरी पर्सनली माने फाइनल के टॉपिक्स ना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इंटर.
है ना, क्योंकि कुछ आपकी मैच्योरिटी भी हो जाती है और कुछ इजी भी होता है। ऐसा नहीं आप पहली बार पढ़ रहे, जैसे पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, आईएफओएस हो गया, टीडीएस हो गया, ये सब टॉपिक आपने पहले भी पढ़े, लेकिन कंटेंट एंड वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि आपको ऐसा लगता है कि यार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे मैं यू नो एक एक चीजें भूलता जाऊंगा। बट डोंट वरी, मैं आपको हर जगह इंटरलिंकिंग करवा करके दूंगा कि ये टॉपिक का ये टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन था, और इंटरलिंकिंग में तुमको मजा आएगा ना, तुम बोलोगे यार बेस्ट, सारे जितने भी फाइनल के लेक्चर्स किए उसके अंदर में ये सबसे बेहतरीन था जिसमें इंटरलिंकिंग पूरा का पूरा हुआ, ये मेरा वादा है। यस, तो चलिए कुछ बातें मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं आपको कुछ बातें स्टार्ट करने से पहले बता दूं। तो आइए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है सबसे पहले द बैच इज फॉर CA फाइनल एंड CMA फाइनल। अगर आपने नवंबर 24 दिया है एंड इफ यू आर गिविंग मे 25, दिस इज अ रिलेवेंट लेक्चर, मे बी फॉर मे 25, नवंबर 25, जून 25 और दिसंबर 25, ये चारों के लिए रेलेवेंट लेक्चर है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2024 से अपडेटेड है, फाइनेंस एक्ट 1 एंड फाइनेंस एक्ट 2। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लेक्चर में आगे बताता हूँ। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ बेसिक सवालों का मैं जवाब दे दूँ। पहला, जब आप ये लेक्चर बाय करेंगे, आप फेस टू फेस में हैं या आप लाइव स्ट्रीम के अंदर में हैं, गूगल पेन ड्राइव के अंदर में, आप अपने लेक्चर को वर्चुअली एक्टिवेट भी करेंगे एट द सेम टाइम, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल आप सब आर्टिकल शिप में हैं, कभी मॉर्निंग में आना हो नहीं हो, एज द केस में भी, तो प्लीज़ यू नो हैव दिस टेक्निकल नंबर 8956784255 and 56, दीज आर द टेक्निकल नंबर। ये टेक्निकल नंबर आपको लेक्चर एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे, या फिर लेक्चर के अंदर में कोई प्ले नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ कोई टेक्निकल इश्यूज है, ये कॉन्टैक्ट टीम आपको हेल्प करेगी। देन देर इज अ सेल्स सपोर्ट नंबर, सेल्स सपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8530133662। आपको लेक्चर बाय करनी है या कुछ भी करना है, सेल्स सपोर्ट नंबर विल हेल्प यू, राइट। तीसरा आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने लेक्चर बाय कर लिया है तो बुक डिस्पैच, अगर आप पुणे के बाहर से हैं और आपने ऑर्डर किया है तो बुक डिस्पैच आपको हेल्प करेगा कि बुक कहाँ है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये नंबर आपके लिए दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्वेरीज पे। इस लेक्चर के दौरान कुछ बच्चे जो यहाँ पे फेस टू फेस में बैठे हुए हैं, ये तो डेफिनेटली सवाल पूछ ही सकते हैं जब भी आपका मन करे तब, राइट। ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम के अंदर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है कभी भी, आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में लेक्चर देख रहे हैं, हैव दिस मेल आईडी ऑलवेज विद यू, askvjsir@gmail.com, इसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। मेक श्योर करिएगा इस क्वेरीज को आप जितना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सके। यस, इस पूरे लेक्चर के दौरान आपको मेनली चार बुक मिलने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, राइट। इस पूरे लेक्चर के दौरान यू विल गेट 4 बुक्स। पहला बुक होगा आपका रेगुलर बुक। रेगुलर बुक आपका पूरे मॉड्यूल ICAI के मॉड्यूल के हिसाब से या CMA के मॉड्यूल के हिसाब से अकॉर्डिंगली क्यूरेट किया गया है पूरा का पूरा। मैं पहले आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट आपको 4 मॉड्यूल देता है ना, फाइनल के चारों मॉड्यूल एक तरफ और बाकी के सारे सब्जेक्ट एक तरफ हो जाते हैं। 4 मॉड्यूल सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 मॉड्यूल जो होते हैं ये DT को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोर्थ मॉड्यूल जो है ये इंटरनेशनल टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 मॉड्यूल यू विल गेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, राइट। हम इस पूरे 4 मॉड्यूल को 2 मॉड्यूल में कंसाइज करावा है, कॉम्पैक्ट करावा है, दैट इज 2 मॉड्यूल यू विल गेट। मॉड्यूल 1 के अंदर में देर विल बी रफली 20 टॉपिक्स अराउंड, मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने इंडेक्स भी बनाया हुआ है। ये है आपका मॉड्यूल 1, राइट, जिसके अंदर में आपके मेजर सारे कंप्यूटेशन वाले टॉपिक्स हैं रखे हुए। मैं आपको सिर्फ आज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सारी चीज़ों के। तो मॉड्यूल 1 जो डायरेक्ट टैक्सेस का है, इसके अंदर में टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, कैपिटल गेन, PGBP, TDS, राइट, और इनसे कनेक्टेड जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, राइट। तो डिडक्शन एंड सेट ऑफ तक का पूरा यहाँ पे आपको कवरेज दिया हुआ है, यानी मान के चलिए आपके CA फाइनल का लगभग 60% वेटेज जो है वो मॉड्यूल 1 होल्ड करेगा अपने क्लास के अंदर। 60% का वेटेज मॉड्यूल 1 होल्ड करेगा अपने बुक का। दूसरा आएगा आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर में आपके वो टॉपिक है जो सारे आपने कभी भी फाइनल के अंदर ही पढ़ने, इंटर लेवल पे आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, जैसे रिटर्न्स, असेसमेंट प्रोसीजर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सब कुछ आपका मॉड्यूल 2 के अंदर में कवर है। तो जैसे अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 15 रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके चैप्टर नंबर 26 वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन या विवाद से विश्वास स्कीम जो रिसेंटली आया है, राइट,
वो पूरा का पूरा आपका मॉड्यूल टू के अंदर में हम लोगों ने कवर करके रखा है। तो फोर मॉड्यूल हैज बीन कंसाइज टू टू मॉड्यूल इन द लेक्चर, ईच मॉड्यूल हैविंग 250 पेजेस, यानी रफली 400 to 500 पेजेस अपने को पढ़ने हैं रेगुलर बुक के अंदर में, और इतने इससे कम का कंटेंट रेगुलर के अंदर में नहीं हो सकता। फास्ट ट्रैक के अंदर में डेफिनेटली हो सकता है, रेगुलर के अंदर में इससे कम का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना। यस, इसके बाद मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर में, इस क्वेश्चन बैंक को मैं कहता हूँ एमआरपी। ये एमआरपी क्या है सर? देखिए क्लास के अंदर में जैसा कि मैंने कहा, हम 200 से 300 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली क्लास के अंदर ही सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा आपको घर के अंदर में और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ एमआरपी। अब ये एमआरपी क्या है? पहला एमटीपी, एम स्टैंड्स फॉर एमटीपी। पिछले 4 साल के, दैट इज 8 अटेम्प्ट के, एमटीपी एंड पूरे के पूरे इसमें कवर किए हैं। आर मतलब आरटीपी, यस, रिविजन टेस्ट पेपर्स भी उसके अंदर में कवर किए हैं, एक ही जगह कंपाइल्ड है। एंड पी का मतलब है पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स भी इसके अंदर में कवर किए हैं। तो जो रेगुलर बुक है ना, इसके अंदर में हम मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है वो सब कवर कर लेंगे, प्लस जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर में आरटीपी एमटीपी एंड पास्ट पेपर्स कवरेज हो जाएगा। दैट्स हाउ आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो बुक के अंदर ही आपके सारे क्वेश्चंस डन रहेंगे, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है डीटी के चार्ट्स। देखिए मैं जानता हूँ लगभग 52 टॉपिक्स, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले उठाओ और वो बड़े बड़े दो मॉड्यूल पढ़ने बैठ जाओ, इट इज इलॉजिकल। लफरी अराउंड 80 पेजेस के अंदर में आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स कवर किया है, और हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे व्हेन एवर वी विल बी कंप्लीटिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। इसके बाद हम लोग चार्ट रिविजन भी यहीं खत्म कर देंगे, एंड दिस चार्ट रिविजन आई विल बी अपलोडिंग आफ्टर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो रफली जब एग्जामिनेशन रहेगा, आपका अटेम्प्ट रहेगा, तो चार्ट रिवीजन को मैं सेपरेट टॉपिक वाइज रिवीजन बोल करके अपलोड कर दूंगा। बट जो लोग फेस टू फेस में बैठे हैं या जो लोग लाइव स्ट्रीम में हैं, आप लोग साथ साथ में ही मेरे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक खत्म होते ही हम लोग चार्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, एंड साथ साथ में ऑडियो रिवीजन भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। बिकॉज इट इज जेन्युइनली नॉट पॉसिबल कि इतना वापस से बुक खोल के पढ़ लो, तो ऑडियो रिवीजन विल बी द नेक्स्ट फीचर जो हम लोग क्लास के अंदर ही साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट, राइट। अब आता है एमसीक्यू। इसके बारे में मैं और डिटेल आपको थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ जब मैं आपको पूरा ब्रीफिंग कर रहा हूँ। एमसीक्यू आपको पीडीएफ के अंदर में मिलेंगे, यस, बिकॉज एमसीक्यू मैं क्यों पीडीएफ के अंदर में दे रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू को बहुत ज्यादा अपडेट करना पड़ता है, और बहुत सारे एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट तक के आएंगे जो मैं चाहता हूँ उसके अंदर में ऐड हो जाए, राइट। तो एमसीक्यू का मैं जो रहेगा आपको पीडीएफ दूंगा, बाकी सारे बुक्स आपको फिजिकल में रहेंगे, सिर्फ एमसीक्यू जो रहेगा ये आपको पीडीएफ में रहेगा, ताकि मोस्ट अपडेटेड एमसीक्यू आप अपने एंड पे जहाँ कहीं भी सिटी में होंगे या ऑफिस में होंगे सिर्फ निकाल लेना, उतना एक काम आपको करना है। तो सर कवरेज में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे कवर कर रहे हैं, सीएसई एमए वाले सारे, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर क्वेश्चन बैंक के थ्रू कवर कर रहे हैं, ऑडियो रिविजन इसके अंदर में कवर होगा, चार्ट रिविजन इसके अंदर में कवर होगा इन लेक्चर्स के अंदर में, जुडिशियल अपडेट्स। अब इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एट फाइनल लेवल्स आपको सिर्फ प्रोविजन नहीं पढ़ने पड़ते, जुडिशियल अपडेट्स भी साथ साथ में पढ़ने पड़ते हैं। एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन आपको जुडिशियल अपडेट्स के ऊपर आता है। अब ये जुडिशियल अपडेट्स क्या है? जो हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, राइट, इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन आपको बनेगा ही। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता ही बनता है। सर कहाँ मिलते हैं ये जुडिशियल अपडेट्स? मैं थोड़े ढूंढते बैठूंगा सर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजमेंट्स कौन कौन से आए हैं, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ आपको ढूंढना कहाँ है। सबसे पहले आपको अगेन आईसीएआई पे जाना है। अब मैं इस पे आईसीआई में जा रहा हूँ, भले ही आप सीएमए स्टूडेंट होंगे उसके बावजूद भी मैं आपको आईसीआई पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है सेपरेट जुडिशियल अपडेट सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत लेट आते हैं, तब तक के बच्चे का अटेम्प्ट आ जाता है, एंड वी कैन नॉट वेट फॉर दैट, राइट। इधर आएंगे आप, जैसे ही आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फाइनल कोर्स में जाएंगे, यहाँ देखिए आपको जुडिशियल अपडेट दिख जाएंगे अटेम्प्ट के लिए। तो ये जो जुडिशियल अपडेट है ये एडिशनली पढ़ना पड़ता है, जितने जुडिशियल अपडेट इस बैच के दौरान आएंगे वो मैं सारे के सारे कवर कर लूंगा, राइट। उसके अलावा जितने भी आएंगे फॉर May 25 November 25 एज द केस में भी, इसको मैं सेपरेट यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर आपको दो चीजें जरूर देखनी पड़ेगी, पहला एमसीक्यू का पीडीएफ, दूसरा एक अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट तक के जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर
टिल दिस क्लास जितने आएंगे वो हम सारे कवर कर लेंगे, पर जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर एडिशनल आएंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। हार्डली मेरे हिसाब से अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 से 3 घंटे के ऊपर का कभी लेक्चर रहा हो, उसमें हम एक ही लेक्चर में अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर सारा कवर कर देते हैं। जुडिशियल अपडेट का 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, वो हम अलग से कवर कर लेते हैं। तो इन टोटल क्लास के बाद आपको 4 घंटे का शायद एक लेक्चर आपके अटेम्प्ट से पहले देखना पड़ सकता है। उसका भी डेट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। इफ़ यू आर हैविंग अ मे और जून अटेम्प्ट, हम ये जो लेक्चर है जुडिशियल अपडेट एंड अमेंडमेंट का, मैं मार्च 1 या 2 वीक के अंदर में डालूंगा, जैसे ही इंस्टीट्यूट इसे दे देता है। ठीक है, तो मेक श्योर करके रख लेना मार्च या 1 वीक या 2 वीक के अंदर में, इफ़ यू हैविंग मे और जून अटेम्प्ट। अगर आपका नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है तो हम इसे सितंबर के टाइम पे अपलोड करेंगे, बराबर है। तो ये एक चीज आपको एडिशनली 3 से 4 घंटे की देखना है, जिसमें से एक अमेंडमेंट लेक्चर होगा एंड एक जुडिशियल अपडेट का लेक्चर होगा। बस ये 2 चीजें आपको एडिशनली देखना है। तो मार्च में होगा मई के लिए, सितंबर में होगा नवंबर दिसंबर के लिए। क्लियर है मालिक? क्योंकि ये बताना जरूरी है, सब्जेक्ट हैज गॉट मेनी अमेंडमेंट, यस और नो? चलो मालिक पढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ अमेंडमेंट्स हम पूरे के पूरे कवर करेंगे। एक टेस्ट पेपर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स हम एक या मल्टीपल टॉपिक्स का कंबाइंड टेस्ट आपके साथ जरूर लेंगे। यस, टॉपिक खत्म होते ही जो बच्चे ऑनलाइन है उसके साथ कैसे लेंगे, या जो फेस टू फेस है बट टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए तो कैसे लेंगे। ये सारे के सारे टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा। इसके बाद मैं आपको 2 टेस्ट दूंगा 50-50 मार्क्स के, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। इसके बाद 50-50 मार्क्स के आपके 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, राइट, विच विल बी MCQ प्लस कंबाइंड बेस्ड होगा। और फिर 100 मार्क का आपका एक पेपर कवर होगा, टू मेक श्योर कि आपका बोथ ग्रुप क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, बराबर है। तो ये जो ग्रुप है इसको क्लियर करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट होना बहुत जरूरी है, प्लस 50 मार्क्स के 2 टेस्ट प्लस 100 मार्क का एक टेस्ट, ये पूरा बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। और ये टेस्ट जरूरी नहीं आपको क्लास में आकर के देना है, दोज हु आर कमिंग टू फेस टू फेस, हम हमारा फेस टू फेस कंटिन्यू रखेंगे, बट ये टेस्ट आपको दूंगा जो एडिशनली घर पे या संडे के दिन आप कभी भी अपने एंड पे सॉल्व करेंगे। हाँ, हम डिस्कस टेस्ट को जरूर कर लेंगे, राइट, बट आपको ये घर पे एडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा एज एन एडिशनल एक्सरसाइज। इज दैट डन? सो आई थिंक वी आर गुड टू गो एंड लेट अस स्टार्ट। देखिए, एक गलती जो हमसे इंटर में होती है, हमें फाइनल में ये रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है शायद आपको अटेम्प्ट लगाओ नहीं लगाओ, बट मैं आपको एक बात बताऊं, हम क्या करते हैं पता है, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं बट हम कभी पेपर एनालाइज नहीं करते, फिर पूरी क्लासेस खत्म कर देते हैं। जिस दिन हम पेपर अटेंड करने जाते हैं उस दिन हमारे को समझ में आता कि यार ये तो पेपर बहुत लेंदी है। पेपर का पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ मैं चाहता हूं आप सब इसे पेन डाउन कर ले अपने रजिस्टर के अंदर में कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पेपर होता है। और मैं आज आपको पेपर ही सबसे पहले दिखाने वाला हूं, क्योंकि देखिए अगर आपका पेपर का एनालिसिस बड़ा क्लियर रहे तो आपका प्रिपरेशन का एनालिसिस बड़ा क्लियर होता है, राइट। चलिए देखते हैं, इस तरीके का कुछ आपका पेपर आता है, अंडरस्टैंड कीजिए, इस तरीके का कुछ आपका पेपर आता है सिर्फ पेपर के पहले। और ये 2024 का ही पेपर है, 10 में 2024 का ही पेपर है, ये पेपर को भी हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। 16 मार्क का तो सिर्फ, 16 पेजेस का तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, कितना, 16 पेजेस। मतलब पहली बात आप समझ के चलिए, डायरेक्ट टैक्स का पेपर कभी भी आपको 5-6 पेजेस का नहीं मिलेगा। दिस पेपर इज ऑलवेज लेंदी पेपर, है ना, आपके ग्रुप टू का सबसे लेंदी सब्जेक्ट और पेपर दोनों DT का ही होगा, पर इसका एनालिसिस बड़ा जरूरी है। यस, आइए, मैं चाहता हूँ आप इसे पेन डाउन करें, आपने रजिस्टर लाया होगा। तो आपका सब्जेक्ट है DT एंड इंटरनेशनल टैक्स। यस, आपका सब्जेक्ट है मालिक DT एंड इंटरनेशनल टैक्स, CA फाइनल, CMA फाइनल, जो जैसा भी दे रहा है, क्योंकि कंटेंट दोनों का सेम है, कंटेंट दोनों का सेम है, इसी के लिए आप यहाँ पे लिख के रखें। सबसे पहले मैं CA फाइनल के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ, और फिर मोटे मोटे तौर पर CMA में भी वही है, प्लीज सुनना। दिस इज ग्रुप टू पेपर नंबर 4, आपका पेपर नंबर 4 है ग्रुप टू का, राइट। 100 मार्क का ये सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट 4 मॉड्यूल दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इंस्टीट्यूट 4 मॉड्यूल दे रहा है। पेपर विल बी ऑफ 30-70 रेशो, CA CMA फाइनल दोनों में पेपर 30-70 रेशो में आता है। अब ये 30-70 रेशो क्या है सर, 30 मार्क्स विल बी ऑफ MCQ एंड 70 मार्क्स विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर, है ना। पहले अच्छे से एनालाइज कर लो सब्जेक्ट में, तो हम ग्रिप बनाई लेंगे। 30% जो पेपर है आपका MCQ है। सर MCQ कैसा होगा, द MCQ विल बी ऑफ टोटली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, मतलब इसके अंदर में जो आपको MCQ आएगा वो ऐसा नहीं होता जो फाउंडेशन में आपको छोटा सा MCQ दे दिया, एक कंटेंट पूछ लिया और उसके ऊपर MCQ आ गया, बट यहाँ पे आपको सॉल्विंग वाले MCQ आएंगे, यानी आपको MCQ भी पूरे के पूरे सॉल्व करने होंगे। आपका कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सके,
30 मार्क्स एमसीक्यू के होंगे एंड 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर का होगा, तो आपका प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दूसरी बात, ये एक ही सेट के अंदर में आता है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में होता है। प्लीज पेपर को अच्छे से समझना, पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका डीटी का पेपर होता है, ठीक है। पार्ट ए जो होता है ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू का, और ये क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट में ही सॉल्व करना होता है और क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है। मतलब पार्ट ए जो एमसीक्यू पार्ट रहेगा आप कभी घर पे नहीं लेके आ पाएंगे, बराबर है। ये क्वेश्चन पेपर ही आपको स्ट्रेट अवे क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और क्वेश्चन बी है, दैट इज पार्ट बी है, वही आप घर पे लेके आते हैं और वो सिर्फ 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आंसर शीट को बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको एक ही आंसर शीट मिलता है। आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है ना, ये ओएमआर शीट होता है, बराबर है। ये ओएमआर शीट आपको वहीं पे फिल करना होता है और डिस्क्रिप्टिव इसके पीछे होता है, यानी आंसर शीट आपको एक ही मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर कितने मिलेंगे, दो। पार्ट ए एमसीक्यू जैसे ही पेपर खत्म होगा पार्ट ए आपको सबमिट कर देना है, जिसका आंसर फर्स्ट पेज पे मेंशन होगा आपके आंसर शीट में। और पार्ट बी जो होगा आपका, ये क्वेश्चन पेपर आप घर पे ला सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, एम आई क्लियर विद दिस। आंसर पेपर कितने हैं आपका, एक विद सप्लीमेंट्स इफ एनी। क्वेश्चन पेपर आपको कितने मिलेंगे, दो। पार्ट ए विल बी एमसीक्यू एंड पार्ट बी विल बी डिस्क्रिप्टिव। लेट मी शो यू, अगर आप इस पेपर को बड़े ध्यान से देखेंगे, बराबर है, अगर आप इस पेपर को बड़े ध्यान से देखेंगे, ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको पेपर पे भी दिया है, लेकिन एनएक्सएटी में हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर कंप्राइज ऑफ टू पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू, एंड पार्ट वन विल बी द एमसीक्यू। तो अगर आप देखेंगे तो आपका पार्ट टू है ये सिर्फ कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, यहाँ पे 70, समझ में आ रहा है, यानी 30 विल बी स्ट्रेट अवे एमसीक्यू। ओके, बढ़ते हैं आगे। सर अगर मैं सीएमए की बात करूं, या पहले सीए फाइनल की बात करूं, पहले था ऐसा कि डीटी जो होता था वो 70 मार्क्स का आता था और इंटरनेशनल टैक्स जो आता था ये 30 मार्क्स का आता था। देयर वाज अ क्लियर डिवीजन, यस। अब ये क्लियर डिवीजन हटा दिया गया है एंड नाउ द पेपर ऑफ डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स कंबाइंडली कम्स फॉर 100 मार्क्स। अब इसमें किसको कितने मार्क अलॉकेट किए हैं ये कभी बताया नहीं, लेकिन पिछले दो पेपर का एनालिसिस मैं कर रहा था, रफली रफली 25 से लेके 35 मार्क्स के बीच में कभी भी आपको इंटरनेशनल टैक्स पूछते हैं, राइट। हालांकि ये श्योर नहीं है, पूरा का पूरा पेपर में कोई भी सीक्वेंस आ सकता है, इंटरनेशनल टैक्स का भी आपको पार्ट आ सकता है, बट यू नो सीए फाइनल में एक क्लैरिटी नहीं दी गई है। व्हेन इट कम्स टू सीएमए फाइनल, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस आता है, यहाँ क्लियर कट डीटी 60 मार्क्स के लिए आता है एंड इंटरनेशनल टैक्स 40 मार्क्स के लिए आता है। तो सीएमए फाइनल में ये बहुत क्लियर है, बट सीए फाइनल में ये क्लैरिटी नहीं है। सीए फाइनल में पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिया हुआ है 100 मार्क्स के लिए। इज दैट क्लियर, यस। तो आपके पेपर के सेपरेशंस को भी हम समझ लेते हैं, हमने पहले पेपर को तो समझ लिया, पेपर के सेपरेशन को समझ लेते हैं, पेपर आता कैसा है, राइट। देखो आपका अगर पहले दिन से ये क्लियर रहा ना कि बॉस प्रिपरेशन किस बेसिस पे करनी है, तो आपको बहुत क्लियर रहेगा। देयर विल बी 6 क्वेश्चन, यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है 70 मार्क्स का, इसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6। एमसीक्यू में ये क्लैरिटी नहीं है, 30 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, राइट। हालांकि 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है, ये क्लियर कट बताया हुआ है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, क्लियर है। बट जो 70 मार्क्स का पेपर है ये कैसे डिवाइडेड है, ये जो 70 मार्क्स का पेपर है ना बॉस, ये डिवाइडेड है आपको 6 क्वेश्चंस के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 14 मार्क एंड इट विल बी अ मैंडेटरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको सॉल्व करना ही करना है। ये वही क्वेश्चन है टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी वाला, तो एक ही क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क्स का और ये आपको कंप्लीटली क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे भी पेन डाउन करके रखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी अ मैंडेटरी क्वेश्चन, 14 मार्क्स आपको पूरा टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी पे क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं, 5। 5 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, 4, यानी एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 14 मार्क। अगर आप मैथ्स करें ले थोड़ा, 14 × 5 70 बनता है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से मैंडेटरी है, और बचे हुए 5 में से कोई भी क्या करना है, सॉल्व 4 ही करने हैं। तो 14 × 5 70 प्लस 30 का एमसीक्यू, टोटल 100 मार्क का आपका पेपर बनेगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट। अब ये जो 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इसका डिवीजन कैसे होता है, बराबर है। आइए मैं आपको थोड़ा सा पेपर एनालिसिस समझा देता हूं, ताकि आपको हर टॉपिक का यू नो नंबर्स पता चल जाए। लिख लिया आप लोगों ने, ये पेन डाउन कर लिया, ठीक है। अब समझिए कैसे हो रहा है। तो आपका बचे हुए 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आपको पूरा 14 मार्क का एक ही क्वेश्चन रहेगा, बराबर है। तो आपके बचे हुए क्वेश्चन है,
ये डिवीजन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर टू विल बी डिवाइडेड इन ए बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर टू ए, क्वेश्चन नंबर टू बी, क्वेश्चन नंबर टू सी, वेर इन इट विल बी आस्क फॉर 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ये एक पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट बना रहा है न्यू सिलेबस के अंदर में। दूसरा होता है 8 एंड 6 मार्क, मतलब क्वेश्चन नंबर टू विल, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी एक 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। एनी हाउ एवरी क्वेश्चन उनको कितने मार्क का बनाना है, 14। ये बात याद रखिए ताकि 14 × 5 70 का गेम पूरा हो सके। पेपर दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, जल्दी से रिपीट करो, 14। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन कितने मार्क्स को दिख रहा है, 14। सीधा नीचे आइए, एक हैबिट आप मेरे साथ जरूर लगा दीजिए, जब भी देखेंगे पहले नीचे देखेंगे। दैट मीन्स जब भी हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन बेस्ड किस पे है। आप नीचे आकर के देखोगे टोटल इनकम एंड इंडिकेटिंग रीजंस फॉर एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे चालू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर टू जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू ए कितने मार्क्स के लिए है, 4। क्वेश्चन नंबर टू टू कितने मार्क के लिए आ रहा है, अगेन 4 मार्क्स एंड देन 6 मार्क्स। समझ में आ रहा है बात, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री चालू, 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14। समझ में आएगा, या तो ये डिवाइडेड होगा 3 क्वेश्चंस के अंदर में, या तो ये डिवाइडेड होगा 2। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री को एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री 4 × 2 = 8 मार्क्स इधर आ गए, राइट, मतलब 3A में उनने दो पार्ट डिवाइड कर दिए और फिर बी के अंदर कितने मार्क्स पूछ लिए, 6, 8 + 6 अगेन कितना हो गया, 14। गेटिंग द पॉइंट, चलो एक बार मेरे को फटाफट रिपीट कर दो, 30-70 इज द रेशियो सी ए सी एम ए फाइनल दोनों में, 30 इज एम सी क्यू, पार्ट ए क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है, आंसर शीट जो रहेगा उसका फर्स्ट पेज विल बी एम सी क्यू, बचा हुआ पूरा डिस्क्रिप्टिव रखना है, बराबर है। दूसरा कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी, बचे हुए 5 में से कितने सॉल्व करना है, 4, ठीक है। डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स का रेंज कितना है, फाइनल की बात करूँ तो पूरा 100 मार्क्स कुछ भी आ सकता है, जस्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, 25 to 35 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्स। सीएमए के अंदर में बड़ा क्लियर है, 60 for DT एंड 40 for इंटरनेशनल टैक्स, ठीक है। चलो तो ये था, आगे बढ़ने से पहले पूरा का पूरा आपका पेपर एनालिसिस एंड ऑल। अब हम कुछ और बातें करते हैं, सब्जेक्ट्स को चालू करते हैं। यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट के अंदर में एंटर कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस बेसिक चैप्टर पहला का पहला, दैट इज टैक्स कैलकुलेशन, बेसिक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन। मैं इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अज्यूम करता हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं आता, ये अजम्पशन ठीक है, या आता है पर हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को इसी अजम्पशन के साथ एकदम जीरो और बेसिक से चालू करूंगा, विद दिस इमेजिनेशन कि आपको कुछ नहीं आता, या तो यू नो आता है पर हम भूल गए और हमें जीरो से पॉलिशिंग की जरूरत है, तभी जाके मजा आएगा, यस ऑर नो, राइट। सो गिव द फर्स्ट हेडिंग, बेसिक टैक्स कैलकुलेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर आप मेरे साथ जो बनाएंगे ये 400 पेजेस का बनाइएगा, अगर आप मेरे साथ इंटर में है तो आपको पता है हैबिट मेरी क्या है, राइट, क्योंकि हम लोग साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी क्लास के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। 400 पेज का आपको रजिस्टर लगेगा, एक कैलकुलेटर लगेगा, काम खत्म और कुछ नहीं, राइट। दो चीजें आपके साथ जरूर होनी चाहिए डेली। मंत्र हमारा बिल्कुल वही रहेगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। हर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है। लिखने वाला पार्ट जो है फाइनल में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, मतलब हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही लिखना है, बिकॉज वी हैव टू गो टू 52 टॉपिक्स, तो ओनली रिलेवेंट पार्ट को हमें लिखना है, बचा हुआ जितना भी पार्ट है हम यहाँ पे देखेंगे रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए इनकम टैक्स की कुछ हिस्ट्री बता देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पढ़ने जा रहे हैं, यस और नो, बट वॉज इट द फर्स्ट एक्ट, इस एक्ट का उगम स्थान कहाँ है, कहाँ से आया, लेट मी गो टू द ब्रीफ हिस्ट्री। देखिए सबसे पहले ब्रिटिश एरा के दौरान इन द ईयर 1857 इट वाज सर जेम्स विल्सन जिन्होंने पहली बार 5 ईयर्स के लिए इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो फॉर फर्स्ट 5 ईयर इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ वॉर व्हिच हैज बीन फॉट इन द ईयर 1857। तो 1857 में पहली बार जब लड़ाई लड़ी गई थी, ब्रिटिश सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, इस पैसे को पूरा करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स को लगाया। द इनकम टैक्स व्हिच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस वाज जस्ट फॉर 5 ईयर्स, ताकि क्या किया जाए, टैक्स रिकवर कर लिया जाए और वॉर के जो खर्चे हैं इसको पूरा का पूरा निपटा दिया जाए। तो इसके डैड माने जाते हैं सर जेम्स विल्सन, जिन्होंने पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स की रचना करी। इसके बाद क्या हुआ सर, 1886 वाज द ईयर जब पहली बार सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया गया, बट अगेन इसे टेम्पररी बेसिस पे लागू किया गया टू रिकवर द कॉस्ट।
इसके बाद आया ईयर 1922। आप जब भी बैरक्ट पढ़ेंगे, ऑफिस में भी बैरक्ट पढ़ेंगे, तो आपको दो एक्ट का रेफरेंस मिलेगा। एक मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1922 और दूसरा मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 का जो एक्ट था दैट वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्ट 1922। फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1922 आपका एक फुल फ्लेज इनकम टैक्स लगाया गया विद अ परमानेंसी। यानी इसके पहले 1857 एंड 1886 के अंदर में जो इनकम टैक्स लगाया गया था दैट वाज अ टेम्पररी लॉ, बट 1922 के अंदर में इनकम टैक्स को परमानेंसी के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उसके बाद ही जब जब फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं पूरा देश का दिल धड़क जाता है। यस और नो? 1947 हमें मिली आजादी, एंड 1947 में आजादी मिलने के बाद हमें एक नए एक्ट की जरूरत थी और इसके लिए एक्ट आया इन द ईयर 1961। सर हमें नए एक्ट की जरूरत क्यों थी? 1922 का एक एक्ट तो था ही परमानेंसी के साथ। व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर अ न्यू एक्ट? बिकॉज 1922 के एक्ट के अंदर में मेनी प्लेसेस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज था। यस, और अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया थे, इसीलिए क्या किया गया, 1961 में लॉ को रिप्लेस किया गया और इसके अंदर में इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले सारे वर्ड को ऐड किया गया। और तब से आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते जा रहे हैं। यस और नो? तो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स? सर जेम्स विल्सन। यस और नो? कौन कंसिडर किए जाते हैं एज फादर? सर जेम्स विल्सन कंसिडर किए जाते हैं एज फादर हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द टैक्स। इसके बाद आया एक्ट 1961, बट रूल्स आए इन द ईयर 1962। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड अ रूल? आई एम श्योर आपने ऑफिसेज में काम किया है तो आप मुझे बहुत क्विकली इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड अ रूल? अच्छा, इज इट द सेम थिंग? और जो फेस टू फेस पे बैठे मैं इनसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा बहुत तो भी रिप्लाई करो ताकि ये इंटरेक्टिव क्लास रहे। हाँ जी, तो एक्ट और रूल्स सेम है क्या? नहीं। तो एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है? रूल्स गाइड करते हैं एक्ट को कैसे फॉलो किया जाए। एब्सोल्युटली, जितने लोग ऑनलाइन भी है यही आंसर सही है। देखिए, एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, वेयर एज रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। एक्ट कहता है एनी पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम मस्ट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम बाय लेट से प्रिस्क्राइब टाइम और विद इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। बराबर है कि नहीं है? तो एक्ट सिर्फ इतना लिखता है प्रिस्क्राइब टाइम एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म, बिकॉज फॉर्म हैज टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इंक्लूड सर्टन डिटेल्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट। बराबर है कि नहीं? अब रूल्स आपको बताता है व्हाट इज द टाइम जब तक आपको रिटर्न सबमिट करना है, व्हाट इज द फॉर्म इन विच एवरीवन मस्ट फाइल, व्हाट इज द मोड ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो टू गिव द पर्पस टू एन एक्ट रूल्स आर फ्रेम। यस और नो? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्ट इज इन द ईयर 1961, वेयर एज रूल्स इज इन द ईयर 1962, एंड दिस हैज टू अमेंड एवरी ईयर। यस और नो? राइट। सो एक्ट 1961, रूल 1962, ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है जिस साल में एक्ट आता है उसी साल में रूल्स भी आ जाते हैं। यहां ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज द होल इनकम टैक्स इज रिटन इन द असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। यस, पूरा इनकम टैक्स आज भी असेसमेंट ईयर के लैंग्वेज में लिखा है, मतलब आने वाले साल के लैंग्वेज के अंदर में लिखा हुआ है, बिकॉज वी अर्न द इनकम इन द करंट ईयर एंड पे टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। यस और नो? इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन इस साल हो सकता था क्या? नहीं। जो एक्ट 1961 में आया उसका इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन इन 1962, एंड देयर वाज द रीजन कि एक्ट 61 में है, रूल्स कौन से ईयर में है? 1962, बिकॉज द होल इनकम टैक्स इज रिटन इन द ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes? Okay. Let me come to a next question. What is the difference between Income Tax Act and Finance Act? अगर किसी ने भी सवाल का जवाब दिया आप में से, right? तो मेरे तरफ से 101 रुपीज का पहला इनिशियल बोनस क्वेश्चन। हाँ जी, आप ट्राई कर रहे थे। फाइनेंस एक्ट चेंजेस एवरी ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। Absolutely fantastic. और ये पूरे 101 रुपए पहले ही बैच में जीत गए पहले ही दिन पे। ध्यान से सुनिए, Finance Act और Income Tax Act के बीच में difference क्या है? Many students don't know. They know that there is something called as Finance Act, there is something known as Income Tax Act. Basically, Finance Act has been brought to change the Income Tax Act and GST through the budget. A budget when passed became the Finance Act, and then
देयर अकॉर्डिंगली अमेंड इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एंड जीएसटी. तो इट इज नॉट द इनकम टैक्स विच अमेंड एवरी ईयर, इट इज द फाइनेंस एक्ट विच गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर एंड द रेलेवेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट गेट्स अपडेटेड इन इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम्स. समझ में आ रही बात? तो इसीलिए आपको क्या किया जाता है, हर बजट में आता है फाइनेंस बिल. नहीं तो वो क्या होता, इनकम टैक्स बिल होता ना, अगर इनकम टैक्स अमेंड करने वाला पार्ट होता तो. व्हाट कम्स? फाइनेंस बिल वंस गेट अप्रूव्ड ड्यूरिंग द बजट, इट बिकेम्स द पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड रिलेवेंट पोर्शन ऑफ फाइनेंस गेट देन इट इज अपडेटेड इन एवरी इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड जीएसटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपने जो नए नए आर्टिकल आए होंगे ना अभी पास होकर के, इनके साथ पूछना कभी अगर ऐसा रैगिंग लेने की इच्छा हो. वैसे सीए में रैगिंग नहीं होती, कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए पता नहीं चलता, बट स्टिल आपको कभी ऐसा मूड हो जाए कि चलो यार मस्ती कर लेते हैं, तो इनसे पूछिएगा फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या. तो हुआ ना अभी बोथ ग्रुप पास होकर आया ना, दोनों के बीच में डिफरेंस बता, राइट? तो फाइनेंस गेट इट इज विच गेट्स अपडेटेड, यस और नो? अच्छा आइए थोड़ा सा समझते हैं The constitutional validity of income tax, या how income tax works, right? How income tax works? देखिए income tax का जो structure बनाया है ये three layer structure है. One who is a lawmaker, one who is a law implementer, and one who is a law interpreter. ये तीन structure में हमारा law work करता है. One who is a lawmaker, parliament क्या करता है? हर साल finance bill लेकर के आता है, right? और इसे क्या किया जाता है? Both houses of parliament के सामने रखा जाता है, right? जैसे ही फाइनेंस बिल आता है इट गेट डिस्कस्ड डिबेटेड इन द यू नो हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड देन वंस अप्रूव्ड इट बिकेम्स पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट. अब फाइनेंस एक्ट आ गया, फाइनेंस एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, बराबर है? इसका इंप्लीमेंटेशन कौन हैंडल करता है? द इंप्लीमेंटेशन इज हैंडल्ड बाय अ सेपरेट बॉडी कॉल्ड एज सीबीडीटी इन आर केस. हियर इन आफ्टर इन लेक्चर्स वी मे कॉल्ड इट एज बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. So Central Board of Direct Taxes handles the implementation part of this whole structure and CBDT इसे क्या करता है? Implement करता है, बराबर है? अब देखिए implementations में बहुत बार problem आ जाती है, इसके interpretations में बहुत बार problem आ जाती है, yes or no? Let me give you a brief example. In 2017 they have brought a law कि आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए for purpose of applying the PAN and for the purpose of filing the return. बराबर है? So 2017 में लॉ मेकर ने एक सेक्शन लेकर के आ गया, सेक्शन 139AA, यू हैव टू ब्रिंग आधार एंड लिंक इट विद पैन एवरी टाइम वी हैव डन दिस इन ऑफिस, बराबर है? अब ला तो लिया आपने, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया 139AA, पैन के अंदर में एक ऑप्शन डाल दिया आधार नंबर, रिटर्न में भी एक ऑप्शन डाल दिया आधार नंबर. क्या आपने ऑफिस में देखा है? बराबर है? अब ये दोनों जगह इंप्लीमेंट कर दिया. नाउ देयर वाज अ इशू. व्हाट वाज द इशू? देयर वर टू इशू. इशू नंबर वन, व्हाट अबाउट अ नॉन रेसिडेंट? ये आधार जो इशू हुआ ये तो सिर्फ किसके लिए था? रेसिडेंट. सेकंड इशू, व्हाट अबाउट नॉन सिटीजन? उनका क्या जो आसाम मेघालय एंड जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे आधार इंप्लीमेंटेशन को चेंज किया गया है. अब प्रॉब्लम क्या थी? आपने नेशनल लॉ के अंदर में चेंज कर दिया बट इसका इंप्लीमेंटेशन तो सब्जेक्टिव है, नॉन रेसिडेंट के नॉट हैव आधार, तो सूटेबल अमेंडमेंट लॉ के अंदर करना जरूरी था. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ऐसे केस में क्या होता है, लॉ इंप्लीमेंटर क्या लेकर के आते हैं? कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स भी लेकर के आते हैं. लॉ मेकर के क्या लेकर आते हैं? कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स लेकर के आते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है. यस और नो? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर? हु इश्यूज इट? CBDT, the implementer, उसी को समझ में आएगा there is a problem, yes or no? So both notification and circular are issued by CBDT under section 119 of Income Tax Act. So section 119 gives the power to CBDT to issue notification and circular. So what exactly is the difference between notification and circular? And when can they be issued? They can be issued at any time whenever there is a requirement in law. So there is no prescribed time when notification and circular will be issued. Second point, sir. How they issue a notification? By bringing a notification through official gadget, they bring it. Okay, sir. Where I can find this notification and circular? On the income tax website. Income tax website पे आप जैसे ही जाएंगे, notification and circular दोनों आपको मिल जाएंगे act rules के साथ साथ. अच्छा सर, तो notification and circular में exact difference क्या है? Sir, notification is communication of any change.
जब भी आप एक्ट को कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट लाइक ए सोशल मीडिया, व्हेनेवर समवन चेंज द पोस्ट यू गेट अ नोटिफिकेशन। ठीक उसी तरीके से एक्ट में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक के क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। यस yes? अच्छा जी सर, क्या ये नोटिफिकेशन सबको एप्लीकेबल होता है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा सर, सर एक और बात बताइए, हमें क्या सारे नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन? द आंसर इज नो, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। यस, सो इफ यू आर गिविंग मे अटेम्प्ट, अक्टूबर 24 तक के जितने नोटिफिकेशन है ये सब आपको एप्लीकेबल है। यू आर गिविंग अ नवंबर अटेम्प्ट, मे 24 तक के जितने नोटिफिकेशन है वो सब आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल एंड नोटिफिकेशन इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। तो लेट्स से आज से आपके ITR अगर मान लीजिए आ गए और ITR के अंदर में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन फिलअप करके देना है जो स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो इसके लिए ये लोग क्या लेके आएंगे? नोटिफिकेशन। नाउ लेट मी कम टू सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर अंडरस्टैंड कीजिए सर, अभी कोई लॉ ला के रख दिया, इट मे बी पॉसिबल ना दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ एन ऑफिसर हु इज सिटिंग इन मुंबई मे चेंज फ्रॉम एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन ऑफिसर हु इज सिटिंग इन दिल्ली। ऐसा पॉसिबल है ना कि इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो ऑन द सेम लॉ इटसेल्फ। अब आप सोच करके देखिए, अगर डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल व्यू ऑन द सेम लॉ, इट विल गिव अ बैड इमेज टू द डिपार्टमेंट। यस ऑर नो? यस ऑर नो? तो इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस विद इन द डिपार्टमेंट, सर्क्यूलर इज इशू। सर्क्यूलर इज इशू टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस विद इन द डिपार्टमेंट। गेटिंग और नॉट? इसीलिए क्या इशू किया जाता है? सर्क्यूलर इशू किया जाता है। सर्कुलर अगेन कौन इशू करता? डिपार्टमेंट। अब अंडरस्टैंड कीजिए, इट इज टू हैव अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस विद इन द डिपार्टमेंट। बराबर है कि नहीं? एज अ टैक्स पेयर कैन आई हैव अ डिफरेंट व्यू फ्रॉम डिपार्टमेंट? सी अंडरस्टैंड, डिपार्टमेंट कैनॉट हैव मल्टीपल व्यू। ऑफिसर हु इज सिटिंग इन मुंबई कैनॉट हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ ऑफिसर हु इज सिटिंग इन दिल्ली। डिपार्टमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ मल्टीपल व्यू, बट एज अ टैक्स पेयर कैन आई हैव अ डिफरेंट व्यू फ्रॉम द डिपार्टमेंट? And that is the reason there is a Supreme Court judgment which says circular is mandatory for a department, circular is not mandatory for assessee. This has been asked as an MCQ as well. Circular is mandatory for department, it is not mandatory for assessee. That means assessee can use the circular if and only if it is beneficial to him. If and only if beneficial to him. Notification he has to follow. Circular will be used only when it is beneficial for him, because it is mandatory for department. As a taxpayer, I can have a different view from the department. No, it is not important ki mera bhi department ka view, but it is not expected that two people from the department have different view on the same thing. Yes, isi ke liye understand kijiye. Law implementer kya karte hain? Law implementer notification, circular and rules tino bhi lekar ke aate hain. So, aaiye samajhte hain notification. सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में दी है और जितना मैं रजिस्टर में लिखाऊंगा उतना ही आपको लिखना है, समझिएगा। तो नोटिफिकेशन क्या करना है सर? नोटिफिकेशन इज इशूड बाय CBDT, यस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, हियर एंड आफ्टर बोर्ड। ठीक है, इट इज इशूड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन लॉ और रूल्स, इट इज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट इन लॉ एंड रूल्स। यस ऑर नो? क्लैरिफिकेशन किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए या डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट के लिए। यस, नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। क्लियर है? और यही चीज लिखी भी होती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, हर चीज आप पहले ही देख लो तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। आपका पेपर है, पेपर के अंदर ही अगर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर में लिखा होता है, ये देखिए लास्ट, ऑल क्वेश्चन रिलेट्स टू असेसमेंट ईयर स्टेटेड अदरवाइज इस क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड अप टू 31st October। पेपर कब का है? मई। समझ आ रहा है क्या? तो ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। क्लियर कट? क्लियर है? पेपर ही लिख करके देता है तो इसमें कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मई के लिए इतने 31st October तक के नोटिफिकेशन आएंगे। मोस्टली ये क्लास चालू करते तक जितने आ चुके हैं मैं नोट्स में कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो आएंगे मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर, ऑल सर्कुलर अगेन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। डिपार्टमेंट, दिस इज एन MCQ व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट,
डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर, असेसी इज नॉट बाउंड बाय द, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, तो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। इसके बाद में सेक्शन, आई एम श्योर ये आपको पता होगा, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, रफ आइडिया लगा, चलो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स? द होल एक्ट इज डिवाइडेड इन सेक्शंस, यस और नो? कितने सेक्शंस है रफली? 300, 400, 500, 600, 700, एनीवन? 200 प्लस। ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं, यस सर, देयर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स, बट बिलीव मी दिस आर नॉट 298। एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया सब्जेक्ट से, मैं लेकर के बेटा 758 सेक्शन है, पूछो कैसे, सब सेक्शन। इन्होंने सेक्शन 80 को सिर्फ 80 एज अ नंबर काउंट किया है, 80C, 80D, DDE, EEE, ये सब नंबर्स में नहीं आते, सिर्फ 80 एक नंबर है। एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट होकर के देखा, मैं बोला 758 सेक्शन जा रहा है, बट फॉर द पर्पज ऑफ बुक्स एंड MCQ, और जब भी कोई पूछे हमसे नॉन सी ए वाला, यही कहिएगा 298 सेक्शन ये जो पढ़ने हैं। यस, सो सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सबसेक्शन, यस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सबसेक्शन एंड देर इज ऑल्सो प्रोविजो। लेट मी डील विद दिस वर्ड्स अगेन। सो सेक्शन इज अ डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इट इज टू बी रीडेड एज, अब जैसे हमें ये रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 2 मे बी सबसेक्शन 22, क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और 5 एज द केस में भी, पहले सेक्शन फिर सबसेक्शन फिर क्लॉज एंड फिर सब क्लॉज के अंदर में डिवाइडेड होता है। एक और वर्ड आता है प्रोविजो, इसे प्रोविजो या प्रोविजो दो वर्ड से यूज किया जाता है, जैसा भी जिसका प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोविजो क्या होता है, किसी भी प्रोविजन के अंदर में अगर प्रोवाइडेड वर्ड यूज है, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब होता है एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो विजय इज अ गुड बॉय, प्रोवाइडेड यू आर अ गुड पर्सन, समझ में आ रहा है क्या? सो प्रोवाइडेड वर्ड इज एन एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इसको हम प्रोविजो भी कहते हैं। तो एक्ट पढ़ते वक्त जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर फर्स्ट लॉ, राइट? सो प्रोविजो इज एक्सेप्शन टू सेक्शन, जनरली गिवन इन द एक्ट यूजिंग द वर्ड एज प्रोवाइडेड दैट। क्लियर है कि नहीं? फिर लास्ट में आता है रूल्स, रूल्स इज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ एक्ट। सेक्शन 295 सेज सीबीडीटी हैज द पावर टू मेक रूल्स। वापस से इधर आते हैं, लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, लॉ इंप्लीमेंटर इसे इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ इंप्लीमेंटर कौन हुआ, सीबीडीटी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीन काम तो कर रहे हैं सर, बताइए कौन से तीन काम कर रहे हैं? सीबीडीटी क्या बना रहा होगा, रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं इंटरप्रेटर्स के ऊपर, इंटरप्रेटर्स कौन है? अब यहाँ पे 3-layer स्ट्रक्चर है, इस लेयर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ईच स्ट्रक्चर इज अ टॉपिक टू यू, ईच स्ट्रक्चर इज अ सेक्शन टू यू, तो इसको बड़े अच्छे से समझना। वी ऑल नो व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट, अब यहाँ पे डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है, टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट। व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट द अदर पर्सन से आई विल फाइल अ सूट ऑन यू और आई विल सी यू इन कोर्ट, से यस ऑर नो? यस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आर एन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स एंड अपार्ट फ्रॉम द सिविल इश्यूज, क्रिमिनल इश्यूज, ये एक और इशू अगर कोर्ट पे चले जाए तो विल मीट अ बर्डन, यस और नो? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा बर्डन डाल सके, इसीलिए यहाँ पे एक और थर्ड लेयर क्रिएट की गई फॉर इंटरप्रेटर्स कॉल्ड एज ITAT। क्या क्रिएट किया गया? ITAT, दैट इज इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, यस और नो? क्लियर कट, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिजॉल्विंग द इशू ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल एक और स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो इंटरप्रेटर्स के अंदर में कौन आएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स दिए हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूँ। सबसे ऊपर हमारे देश में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे देर आर वेरियस हाई कोर्ट्स, बराबर है, देर आर वेरियस हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है ITAT, इसे इट एट भी कहते हैं, राइट, ITAT भी कहते हैं बहुत ऑफिसेस के अंदर में, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है सर, ये आपके केसेस को हैंडल कर देता है कोर्ट में जाने से पहले। अब कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इनकम टैक्स का हर केस कोर्ट में नहीं जाता, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, बराबर है। इसका क्लियर डिस्टिंक्शन हम लोग एक चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे कॉल्ड एज अपील, एक चैप्टर आपको पूरा का पूरा। हाल फिलहाल में ये समझिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन,
वन विच इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सेकेंड देर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? लेट से बिल्स अवेलेबल नहीं है, अब ये डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बराबर है. इज दिस पर्टिकुलर लॉ ऑल्सो एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी बिकॉज द लॉ जस्ट मेंशन द वर्ड कंपनी. तो इज दैट सेक्शन ऑल्सो एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी और यू नो बॉडी कॉर्पोरेट, इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तक का सारा मैटर जो है ये IT-80 हैंडल कर लेता है, एंड सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही कहा जाता है हाई कोर्ट, एंड दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑल्सो फ्रेम्ड बाय हाई कोर्ट. सो देर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन की हाँ यही क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा. द क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ एनी विल बी फॉर्म्ड बाय हाई कोर्ट इटसेल्फ. समझ में आ रही बात? सो ऐसा कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि हाँ ये 10-15 आइटम ही क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे. एनीथिंग कैन बी क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑल्सो फ्रेम्ड बाय हाई कोर्ट. समझ में आ रही बात? पर हाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तक के मैटर कहाँ डिस्कस हो जाते हैं IT-80 में, तो क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है. नहीं, इंटरव्यू में पहले ही क्या कर लेते हैं आपको यू नो एक पॉइंट दे करके आप लोग को क्या करवा दिया जाता है, डिबेट करा देते, ग्रुप डिस्कशन. जो एक्टिव दिख रहे हैं वो हमारे काम के, बाकी सब वैसी बाजू हो जाओ. बस ऐसे ही कुछ सेपरेशन यहाँ पे भी होता है. अब हो क्या रहा था, IT-80 के अंदर में भी बहुत सारे केसेस आ जा रहे थे क्योंकि टैक्स पेयर्स बहुत सारे, डिस्प्यूट्स बहुत सारा है, एंड इट इज अ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशनल लॉ. यस, तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा चेंज किया गया. इसके नीचे एक और अथॉरिटी लगाई गई, दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड एज CIT अपील्स. इसे लिखा जाता है CIT ब्रैकेट में A. इसका मीनिंग होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, CIT अपील्स करके. गेटिंग द पॉइंट? तो एक और अथॉरिटी लगाई गई फॉर द पर्पज ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल, और इसे लगाया गया CIT अपील्स. ये भी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को हैंडल करते हैं, ताकि क्या हो, ये जो केसेस है ये क्या होते जाएं, सेपरेट होते जाएं, सेग्रीगेट होते जाएं, राइट? अब रिसेंटली क्या किया गया, CIT अपील्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर जा रहा था, तो लास्ट ईयर ही एक और अथॉरिटी इसके साथ साथ जोड़ी गई, और वो है JC अपील्स, दैट इज जॉइंट कमिश्नर अपील्स. ये भी एक अथॉरिटी है जो इसके साथ जोड़ी गई टू सबॉर्डिनेट CIT अपील्स, ताकि क्या किया जा सके, इश्यूज जो हैं ये जल्दी जल्दी रिजॉल्व किए जा सके. और इसीलिए अगर आप देखेंगे रीसेंट बजट के अंदर में विवाद से विश्वास स्कीम भी लेकर के आए ये लोग, तो हर 3 से 4 साल के अंदर में एवरी टाइम 3 to 4 years गवर्नमेंट ब्रिंग समथिंग कॉल्ड एज दिस स्कीम, विश्वास स्कीम, विवाद सेटलमेंट स्कीम, इनकम टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम, ये हर बार लेकर के आते हैं, ताकि क्या है जितने सारे पेंडिंग केसेस है ये सब क्या किए जा सके, एक ही नया स्कीम बना करके क्लोज किए जा सके. एक सर्टन अमाउंट कलेक्ट कर लेते, वट एवर इट इज, एक सर्टन अमाउंट कलेक्ट कर लेते और आपके साथ हमारा जितना डिस्प्यूट है ये खत्म कर देते. तो ये हर 3 से 4 साल के अंदर में एक बार होता ही होता है, राइट? क्योंकि ये बहुत सारे केसेस पाइल अप होते हैं. तो हमारे यहाँ इंटरप्रिटर्स कौन हो जाते हैं इंटरप्रिटर्स के अंदर में, चलो सबसे पहले बताओ, सबसे लोअर लेवल पे तो असेसिंग ऑफिसर और AO के बीच में, असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच में जब भी डिस्प्यूट हो जाए वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, CIT अपील्स, JC अपील एज द केस में भी. तो CIT अपील्स में भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नेक्स्ट लेवल वो किधर जाएगा, IT. यहाँ पे वही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला सारा केस IT-80 में खत्म हो जाएगा. अब अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो फर्स्ट हाई कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट. इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ द मैटर विल बी टेकन अप बाय हाई कोर्ट. इफ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ द मैटर अल्टीमेटली डिसाइड बाय IT-80 इज द फाइनल मैटर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो IT-80 ने फिर जो डिसाइड कर लिया यही डिसीजन है, अब इसके आगे कुछ नहीं होता. सर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है. इफ द हाई कोर्ट डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ओनली फॉर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. कैन नॉट ब्रिंग, आप यहाँ पे स्टेप लैडर को ब्रीच नहीं कर सकते. ये एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर भी क्लैरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है. आप बोलोगे मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं जा सकते. देयर इज अ हायरार्की व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल जाऊं, नहीं हो सकता. आपको ये हायरार्की ही फॉलो करनी है इनकम टैक्स के डिस्प्यूट्स को लेकर के. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दूसरी बात, तो हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगा. अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है हाई कोर्ट केस टेक अप कर लेगा, नहीं तो IT-80 ने जो डिसाइड किया ये फाइनल बन जाएगा इंटरप्रिटेशनल मैटर में. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके बाद कहां जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद हम कहां जाएंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ is considered as fit by High Court. यानी Supreme Court में जाने के लिए High Court से आपको एक certificate लेना पड़ता है, the certificate as a fit case for Supreme Court. ये case आने के बाद ही आप किधर जाते हैं, Supreme Court के अंदर में जाते हैं. And we all know the decision given by Supreme Court becomes the law of land.
यस और नो, राइट? तो इंटरप्रेटर्स के अंदर में ये है। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, हर साल फाइनेंस एक्ट के अंदर में ये कैसे समझते हैं अमेंडमेंट क्या आएगा, क्योंकि ये तीन मैकेनिज्म ही हर साल अमेंडमेंट लेकर के आते हैं। अब सोचिए कैसे वर्क करता होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, आधार चाहिए, ठीक है। लॉ इंप्लीमेंट किया तब समझ में आया कि नॉन रेसिडेंट तो रिटर्न ही नहीं भर पा रहा, बिकॉज वन ऑफ द मैंडेटरी कॉलम आधार फिल ही नहीं हो रहा। अब लॉ इंप्लीमेंटर क्या करता है, लॉ इंप्लीमेंटर बोलता है कि भैया क्या नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर निकाला जा सकता है क्या। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर निकाला जा सकता है, तो देर इज नो मल्टीपल मीनिंग, नॉन रेसिडेंट ही सर्कुलर पॉसिबल नहीं है। यार नोटिफिकेशन निकाल करके मैटर क्लियर हो सकता है, और इट नीड्स अ सूटेबल अमेंडमेंट इन लॉ। अब देखिए, क्योंकि ये हर साल फाइल होने वाली चीज है, सिर्फ नोटिफिकेशन ला लोगे वो उसी साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? रादर इसको क्या करना था, सूटेबल अमेंडमेंट इन लॉ की जरूरत थी, ताकि हर साल जो भी इस लॉ को पढ़े वो क्लियर रहे नॉन रेसिडेंट जो रहा। क्योंकि देखो ना, हर साल जरूरी थोड़ी ना वही नॉन रेसिडेंट को इनकम आएगी, देर मे बी मेनी नॉन रेसिडेंट विच विल कम, सो ही मस्ट नो द लॉ, बराबर है कि नहीं है? तो ऐसा तो नहीं होगा कि नोटिफिकेशन ला लो और उसको बता दो, क्योंकि जो नया नॉन रेसिडेंट अगले साल आएगा वो थोड़ी नोटिफिकेशन पढ़ते बैठेगा, यस और नो? सो इसको सिर्फ नोटिफिकेशन ला के भी काम नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ सूटेबली अमेंडमेंट इन लॉ। तो क्या होगा, लॉ इंप्लीमेंटर क्या करता है, लॉ इंप्लीमेंटर फिर ये रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे सके कि सर अगले साल क्या करना है, सूटेबल अमेंडमेंट लेके आना है। फिर अगले साल जाके सूटेबल अमेंडमेंट आया, द सेक्शन 139AA इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम मेघालय जम्मू कश्मीर। अब सूटेबल अमेंडमेंट लॉ के अंदर में लाया गया। तो एक तरीका था लॉ को अमेंड करने का कि लॉ इंप्लीमेंटर्स बताएं इंप्लीमेंटेशन में इशू क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब दूसरा एक और इशू बताता हूँ, इंप्लीमेंटर का रोल कहाँ आता है। जब आधार का लॉ बनाया गया 2017 के अंदर में, तो फर्स्ट टाइम क्या किया गया, तो फर्स्ट टाइम बोला गया कि बॉस इफ द आधार इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पैन एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आधार विल बी इनवैलिड। लॉ में लिखा क्या, आधार विल बी इनवैलिड। आधार पैन लिंक नहीं किया, आधार विल बी, सॉरी, पैन विल बी इनवैलिड, नॉट आधार, पैन, पैन विल बी इनवैलिड। अब सिचुएशन समझिए, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर को अगर आपने इनवैलिड कर दिया, तो देर इज कैन नॉट बी एनी प्रोसेस कि आप उसको वापस से क्या लेके आए, उस नंबर को रीएक्टिवेट करें। इज इनवैलिड वर्ड द राइट वर्ड और इन ऑपरेटिव वुड बी द राइट वर्ड? क्योंकि आपने इनवैलिड कर दिया तो लॉजिकली उस पैन को आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, बिकॉज द टर्म परमानेंट अकाउंट नंबर इज ए इशू। परमानेंट अकाउंट नंबर को ही आपने इनवैलिड कर दिया, आप वापस से उसको कैसे लेकर के आ सकते हो? इफ द लॉ हैज द वर्ड इन ऑपरेटिव, मतलब आप उसको टेम्पररी बेसिस पे क्या करो, रीएक्टिवेट करो। आफ्टर पेइंग फीस पेनल्टी वॉट सो एवर, आप उसे क्या करो, रीएक्टिवेट करो। वॉट वॉज द राइट वर्ड? अब लॉ मेकर ने क्या लिख दिया, इनवैलिड, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में इशू है कि आपने मेरा पैन इनवैलिड कर दिया, तो अब ये वैलिडेट कैसे हो सकता है वापस? देयर इज नो प्रोसेस, क्योंकि आपने परमानेंट अकाउंट नंबर को इनवैलिड कर दिया, है ना? अब ये लॉ के इंटरप्रिटेशनल इश्यूज है कि इनवैलिड नहीं, क्या वर्ड होना चाहिए था, इनऑपरेटिव। लॉ इंटरप्रेटर आए, उन्होंने केस फाइल किया, केस भी है आगे, उन्होंने केस दिया और केस के अंदर में डिसीजन दिया, द वर्ड इनवैलिड इज रॉन्ग, देयर शुड बी इनऑपरेटिव। तो लॉ के अंदर में जो अमेंडमेंट आते होंगे वो किस वजह से आते होंगे, लॉ के अंदर में अमेंडमेंट आते होंगे इंप्लीमेंटेशनल इश्यूज के कारण, तब जाके अगले साल अमेंडमेंट वाले को समझ में आता है कि हाँ इस सेक्शन में अमेंडमेंट की जरूरत है। तो दो रूट है उसको जहां से समझ में आता होगा। फाइनेंस मिनिस्टर को सपना नहीं आता होगा इस सेक्शन में अमेंड कर दो, पहला उसे इंप्लीमेंटर्स बताते होंगे सर डिफिकल्टी है इंप्लीमेंटेशन के अंदर में, या तो नोटिफिकेशन सर्कुलर या रूल्स के अंदर में चेंजेस लाई है, या फिर इंटरप्रिटेशनल के जो इंटरप्रिटेशन आए होंगे वो एडअप होते होंगे अगले साल क्या करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। एंड दैट्स हाउ अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल कम इन टू पिक्चर एवरी ईयर। इट इज नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विच ब्रिंग्स इन द न्यू अमेंडमेंट इन लॉ। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? अब एक पावर भी दिया गया है सेक्शन 298, द लास्ट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 298 के एक पावर भी दिया है। कई बार इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑल्सो ब्रिंग्स अप द ऑर्डर टू रिमूव दैट पर्टिकुलर
डिफिकल्टी। तो ये एक पावर वाला सेक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिलेवेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डू एनीथिंग नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन व्हिच अपीयर्स इट टू बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। तो एक पावर आपको जनरल पावर दिया है, कोई भी सेक्शन के इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई यू नो फॉल्ट आ जाता है तो उसको जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, सो लॉ मेकर लॉ मेक करता है, इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करता है, एंड लॉ इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रीट करता है। अब मुझे बताइए, यहां तक के क्या इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ना होगा? देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? इनकम टैक्स पढ़ते वक्त आपको क्या पढ़ना पड़ता होगा? एक्ट। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ता होगा? रूल्स, साथ साथ में नोटिफिकेशन, साथ साथ में सर्कुलर्स, और ये सब होने के बाद अपडेट्स। यस, तो ये पांच चीजों को मिला के आपका इनकम टैक्स एक्ट बनता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही आपके मॉड्यूल का थर्ड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, राइट? अब पहली चीज रजिस्टर में लिखिए, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक्स चालू कर दिया आपने, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहले क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स 1962, फिर आपको क्या आएंगे बेटा, नोटिफिकेशंस 6 months बिफोर एग्जाम। मैंने आपको पेपर ही ओपन करके दिखा दिया, ये एज इट इज ही रहता है जन्मों से। इसके अलावा आपको क्या पढ़ने हैं बॉस? सर्क्यूलर अगेन 6 months बिफोर एग्जाम। इसके अलावा आपको क्या पढ़ने हैं? जुडिशियल अपडेट। अब जैसा कि मैंने कहा, एक्ट और रूल्स हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे, कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड जुडिशियल अपडेट्स जो है, यही आपको एक 3 घंटे का लेक्चर रहेगा रफली, आपके एग्जाम से पहले मार्च या सितंबर में अपडेट हो जाएगा। एंड आई होप यू नाउ नो कि मैं ये अभी क्यों नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन कब इशू होगा, सर्कुलर कब इशू होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो एक लेक्चर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लेक्चर आपको ये देखना पड़ेगा, हैज गॉट वैलिड रीजन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा जी, तो अब इनकम टैक्स बन चुका होगा हम ये अज्यूम करते हैं, लेकिन कोई भी एक्ट जब इंडिया में बनता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी बहुत जरूरी है। यस ऑर नो? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस लिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इसे ऐसे समझिए। अज्यूम कीजिए, मैम आपका नाम क्या है? रिया। अज्यूम कीजिए रिया जी अपने घर में है, राइट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके ऊपर शक होता है एंड दे प्रिपेयर फॉर अ सर्च ड्यूरिंग आफ्टर रेड। ठीक है, तो दे प्रिपेयर फॉर अ रेड इन हर प्रमाइसिस। अब एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें राइट टू प्राइवेसी देता है? हाँ, यहाँ बराबर है, राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके प्रमाइसेस पे रेड करना चाहता है, वैलिडिटी आएगी कहाँ से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें राइट टू प्राइवेसी दी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ही यूज करके उस राइट को हटाया जा सकता है। ये सुनो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकम टैक्स में कुछ पावर तो देने चाहिए इनके प्राइवेसी को यू नो ब्रीच करने के लिए, कि भैया हम आपके प्रमाइसेस को सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ राइट विच हैज बीन गिवन, दो इट कैन बी टेकन, बट इट इज अ राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। अब हम इनके बिजनेस प्रमाइसेस, इनके ऑफिसेस, इनके गोडाउन के ऊपर रेड कंडक्ट करने जा रहे हैं, देयर हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू टेक अप दिस पर्टिकुलर केस। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, आपको याद है कुछ सालों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, रात में कहा था भाई और बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यू नो आज रात में आए और कहें भाई और बहनों आज से हम मैरिज टैक्स लगाएंगे, बहुत पैसा खर्चा हुआ है, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज बहुत हो रही है, आज से हम मैरिज टैक्स लगाएंगे? इज इट पॉसिबल? कैन इट बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली? यस और नो? कैन इट बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली? अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, नोट बदलने का पावर आपके पास है, आप चेंज कर सकते हैं, आप नया लॉ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये पावर ही नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये पावर ही नहीं दिया है।
फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड द राइट बेसिस ऑफ लिविंग एंड कलेक्टिंग द टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक बार मेरे साथ रीड कीजिएगा, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब इस बात को समझते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी रात में आकर के कह सकते हैं मैं आज से एक नया टैक्स लगा रहा हूं? आंसर इज नो। व्हाई? रिस्ट्रिक्शन इज आर्टिकल नंबर 265 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 265 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू, अथॉरिटी होनी चाहिए और कोई लॉ होना चाहिए कोई भी टैक्स को लगाने के लिए। आ करके अगर मैं बोल दूं कि आज से मैं ये टैक्स लगा रहा हूं, नहीं लग सकता सर, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, उस अथॉरिटी ने कोई लॉ को पास करना चाहिए तो ही कोई टैक्सेस लगाया जा सकता है या कलेक्ट किया जा सकता है। अथॉरिटी एंड लॉ, तो देयर मस्ट बी लॉ दैट इज एन एक्ट बिफोर लेवी और कलेक्शन ऑफ अ टैक्स। इसीलिए जीएसटी को लॉ बना करके इंप्लीमेंट करना पड़ा 2017 के अंदर में। ऐसा नहीं था कि वो आए और उन्होंने बोला आज से जीएसटी लागू कर दिया। पहले जीएसटी के लिए पूरा बिल बनाना पड़ा, रात 12 बजे जीएसटी को पास करवाना पड़ा, तब जाकर के वो क्या बन सका, एक एक्ट बन सका जिसकी लेवी एंड कलेक्शन पॉसिबल हुई। बराबर है? सो पहला, देयर मस्ट बी लॉ बिफोर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स। सेकेंड, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी हु विल पास दिस पर्टिकुलर लॉ। हु पास द लॉ इन इंडिया? चलिए मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूं। हु मेक्स लॉ इन इंडिया? लॉ कौन बनाता है इंडिया में? पार्लियामेंट। तो लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन, पार्लियामेंट पास द लॉ और पार्लियामेंट मेक्स द लॉ? पासेस द लॉ। सो हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? यस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेक्स द लॉ इन इंडिया। जो भी आपको लॉ बनाना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास जाता है और वो उसे राइट फ्रेम करके देते हैं। बराबर है कि नहीं? अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये लॉ बनाया, लेकिन देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी हु पास दिस लॉ। हु इज दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी हु पास द लॉ? अंडरस्टैंड, लॉ पासिंग के लिए हमारे पास दो अथॉरिटी है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दिया है। पहला है आर्टिकल 245। जनरली पार्लियामेंट मेक द लॉ इन इंडिया, व्हेन दे यूज द वर्ड मेक इट हैज टू बी रीड एज पास द लॉ इन इंडिया। यस, पार्लियामेंट हैज द राइट टू पास द लॉ इन इंडिया। तो कोई भी लॉ जब बनता है, दैट इज बिल जब भी बनता है, इसे पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के सामने रखा जाता है। बोथ हाउसेस जब इसे अप्रूव कर दे, याद है फाउंडेशन से आप कुछ पढ़ते आ रहे हैं, पहले बिल बनता है, बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, जब इसे प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है तो ये क्या बनता है? एक्ट। बराबर है? तो ये पावर कहां से आया है? ये पावर आया है आर्टिकल 245 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 245, पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे अगर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का जब डिसीजन था इसे सेपरेट करेंगे, ऐसा नो, इसे क्या बनाएंगे, और यू नो यूनियन टेरिटरी के अंदर में कन्वर्ट किया जाएगा लेह लद्दाख वाले पार्ट को, दैट वाज अ लॉ व्हिच इज मेड फॉर द पार्ट ऑफ इंडिया। यस और नो? राइट? या फिर एसटीटी हम चेंज कर रहे हैं रिसेंटली, एसटीटी के जो रेट चेंज किए गए, दैट वाज फॉर द होल ऑफ इंडिया। समझ आ रही है बात? तो पार्ट और होल दोनों के लिए लॉ चेंज किए जा सकते हैं। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बराबर है? तो पहला अथॉरिटी कौन है जो इस लॉ को पास करेगा? आर्टिकल 245 कहता है पहला अथॉरिटी कौन है बॉस? पार्लियामेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सभी ज्ञानी लोगों से, बताइए क्या पार्लियामेंट सेशन में होता है साल भर? पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। अब मान लो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और देश को किसी लॉ की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे सर? कोई प्रोविजन तो इसके लिए भी होना चाहिए था। बराबर है ना? भाई पार्लियामेंट सेशंस में थोड़ी ना रहेगा हर साल, तो क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया। पहला पावर दिया लॉ बनाने का किसको? पार्लियामेंट को। बट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देन क्या लॉ बन सकता है टैक्सेशन से रिलेटेड, नॉन टैक्सेशन से रिलेटेड, बिकॉज देयर मे बी नेशनल इमरजेंसी? यस और नो? तो हु पास द लॉ? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 डाला गया। कौन सा डाला गया? आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया, जहां पे प्रेसिडेंट को पावर दिया गया टू पास एन ऑर्डिनेंस व्हेनेवर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और देश को जरूरत पड़ जाती है किसी टैक्सेशन लॉ को लाने की या कोई अदर लॉ को लाने की, तो इस केस में प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? ऑर्डिनेंस का पावर दिया गया है। अब ये ऑर्डिनेंस कब तक के वर्क करता है, प्लीज इसे समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कब तक के इस ऑर्डिनेंस को यूज करता है? तो जो प्रेसिडेंट सर है वो क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, और ये ऑर्डिनेंस कब तक के वर्क करेगा, जब तक के पार्लियामेंट वापस सेशंस में नहीं आ जाता, तो तब तक के ये ऑर्डिनेंस वर्क करता है। फिर पार्लियामेंट अगेन उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करता है, या तो उसे लॉ बना देता है या तो उस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर देता है। तो जब तक के पार्लियामेंट रीसेशन में ना आ जाए तब तक के वो ऑर्डिनेंस क्या करता है, वर्क करता है। सर क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। इन 2019 मोदी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या कराए थे, चेंजेस कराए थे। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ला करके चेंजेस किया था। अगेन इन 2020 जब इंडिया में कोविड वाला सिचुएशन आ गया था, तब वापस से पार्लियामेंट वॉज नॉट इन सेशन, उस टाइम पे भी जो टैक्सेशन के अंदर में चेंजेस किए गए थे दैट वॉज बाय ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस ओनली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? That was by bringing an ordinance only. So past में भी हम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब हम यूज करते हैं। तो आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए वापस आर्टिकल 265 पे आता है। 265 आर्टिकल कहता है कोई भी टैक्स को लगाने के लिए या उसे कलेक्ट करने के लिए पहले अथॉरिटी होनी चाहिए और उस अथॉरिटी ने कोई लॉ पास करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब बताइए अथॉरिटी कौन है? इधर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो अथॉरिटी कौन है बॉस? प्रेसिडेंट। फिर ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट एज द केस में भी सबसे पहले क्या करेंगे, कोई लॉ पास करेंगे, तब जाकर के आप कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट कर सकते हैं। लेवी करने का मतलब क्या है? इम्पोज करना। टैक्स लेवी करना मतलब टैक्स लगाना। टैक्स कलेक्शन में दो वर्ड आते हैं, पहला कलेक्शन, प्यार से दिया तो कलेक्शन, नहीं दिया तो वही पावर देता है रिकवरी का भी। अब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन रिया को राइट टू प्राइवेसी देता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमें कलेक्शन करने का पावर भी देता है, और कलेक्शन प्यार से अगर नहीं हुआ तो इनसे रिकवरी का भी पावर देता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। एंड रही बात टैक्सेस की, हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। गेटिंग द पॉइंट? तो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अब हमें पावर तो मिल गया 265 से, लेकिन एक्चुअली हु इंप्लीमेंट द टैक्स? ये टैक्स कलेक्ट करने का पावर लॉ से आ गया, लॉ बन गया, बट हु एग्जैक्टली कलेक्ट द टैक्स? जब मैं टैक्स पे करता हूँ वो जाता किसके पास है? सेंटर के पास जाता है या स्टेट के पास जाता है? किसके पास जाता है, सवाल उठेगा। अब देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और ऐसे केस में पावर डिविजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिविजन बना, बराबर है। सारे पावर अगर सेंटर को दे देते तो जो रूलिंग पार्टी होती वो अपने हिसाब से सबको चलाती, इवन दो स्टेट ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। यस और नो? तो पावर जो था सिर्फ एक के हाथ में देना सही नहीं था, पावर हैज टू बी डिवाइडेड। अगर पावर स्टेट के हाथ में देते तो सेंटर नाम की कोई चीज नहीं बचती, है ना। और अगर इन दोनों को साथ में चलाना है तो कुछ लोग ऐसे बनाने पड़ेंगे जो दोनों साथ मिलकर चलाएं। यस और नो? इसके लिए एक और आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल नंबर 246, रीड विथ शेड्यूल 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। आर्टिकल नंबर 246, रीड विथ शेड्यूल 7। पूरे भारत के पावर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, कुछ पावर जो सिर्फ यूनियन के पास दिए गए, लिखा गया यूनियन लिस्ट के अंदर में। तो यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर मेंशन किए हुए सारे आइटम्स पे जो भी डिसीजन लेना है ये सारा सेंटर लेगा। ये कौन लेगा? सेंटर। फिर बनाया गया स्टेट लिस्ट, इसके अंदर में जो भी कुछ मेंशन होगा इसके सारे डिसीजन रिस्पेक्टिव स्टेट्स लेंगे। और तीसरा लिस्ट बनाया गया कॉन्करेंट लिस्ट, इससे रिलेटेड सारे डिसीजंस कौन लेंगे? बोथ सेंटर एंड स्टेट कंबाइंड लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यूनियन लिस्ट के पावर प्योरली यूनियन हैंडल करता है, जैसे डिफेंस, एटॉमिक डिफेंस, सेंट्रल टैक्सेस, सारे के सारे ये सब यूनियन के अंदर में आ गए। स्टेट के अंदर में एग्रीकल्चर रिलेटेड टैक्स, इस स्टेट का पावर है, सेंटर का पावर नहीं है। तो स्टेट हैज टू डिसाइड वेदर द टैक्स कैन बी लेविड ऑन एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। इनके यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पे इनकम टैक्स को डाला गया। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पे किसको डाला गया? इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स जो हम लॉ बनाया इसको कलेक्ट करने का पावर किसके हाथ में दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड रूल्स फ्रेम करने का पावर किसके हाथ में दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे पावर किसके हाथ में दे दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइए नोट्स में भी लिखिए।
इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू यूनियन लिस्ट, ये एमसीक्यू है। अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। अब एंट्री नंबर 82 पे एग्जैक्टली लिखा क्या है मैं वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहां पे लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट के अंदर में लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। क्या मीनिंग समझ आता है इससे? एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लिया जा सकता, या यूनियन के पास पावर नहीं है, यूनियन के पास पावर नहीं है। तो इनकम से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है ये सब कौन कलेक्ट कर सकता है? यूनियन कलेक्ट कर सकता है, पर एग्रीकल्चर पे यूनियन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनो, कल ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, उन्होंने कहा मोदी जी विल नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। मैंने उनके कमेंट बॉक्स में जाके लिखा बाय कॉन्स्टिट्यूशन दे के नॉट डू इट, पहले लिखा मैंने, मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन दे के नॉट डू इट। बाय कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सिर्फ किसके पास है? स्टेट। मोदी जी चाहे तो भी कलेक्ट नहीं कर सकते, समझ आ रही बात? बिकॉज देर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू द एंट्री नंबर 82, क्योंकि लिखते वक्त ही उन्होंने लिखा है यू कैन जस्ट कलेक्ट द टैक्सेस ऑन इनकम एंड नॉट ऑन एग्रीकल्चर। तो सर एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहाँ से आया? ऑन एग्रीकल्चर टैक्स कैन बी कलेक्टेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट एंट्री नंबर 46 टू स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब मैंने कैन कहा क्यों? क्योंकि अब तक के इंडिया में सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट है जिसने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की हिम्मत की थी और उसे भी हटा दिया। पहला था महाराष्ट्र, दूसरा था कर्नाटक। इन दो ने ही सिर्फ हिम्मत दिखाई थी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की, बाद में वोट बैंक की राजनीति और बाकी चीजों में एग्रीकल्चर पर फिर कभी टैक्स नहीं लगाया गया। अगर कभी एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट होता भी है कलेक्शन सेंटर के पास ही होता है। डिविजन होते वक्त क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, वो स्टेट के पास चले जाएगा। यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात और याद आई, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसे सेंटर रखता है या स्टेट्स में डिवाइड कर देता है? क्या होता होगा? अब ये तो हमें पता चल गया टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंटर, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर, जिस पे है ही नहीं एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब मुझे बताइए टैक्स जो कलेक्ट होता होगा क्या उसे सिर्फ सेंटर रखता होगा या स्टेट के साथ डिवाइड कर देता होगा? आपको क्या लगता है? प्रोपोर्शनेट होता होगा। तो ये डिसाइड कौन करता होगा प्रोपोर्शनेट किसका कितना, महाराष्ट्र को कितना मिलना चाहिए? चलिए मैं एक छोटा सा स्टैटिक्स बताता हूँ। जितना भारत में इनकम टैक्स कलेक्ट होता है इसका 32% महाराष्ट्र से जाता है। जितना टैक्स कलेक्ट होता है इसका 32% महाराष्ट्र में जाता है, लेकिन उतना ही पैसा महाराष्ट्र के पास घूम के नहीं आता, ठीक है। हमें उसमें नहीं पड़ना क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता। हमारा क्वेश्चन है ये कौन डिसाइड करता होगा कि कितना किसको जाएगा? मोदी जी डिसाइड करते होंगे आपके हिसाब से। स्टेट ने मेरे को वोट दिया तो चलो स्टेट को ज्यादा पैसा देता हूँ। जैसे हमारी जो सरकार बनी ये किस वजह से बनी? तेलंगाना और बिहार की वजह से। तो एक काम करते हैं बजट में तेलंगाना और बिहार का बजट ला लेते हैं। आपने इस बजट को देखा, थोड़ा बहुत सुना है इस बजट के बारे में? तेलंगाना एंड बिहार बजट, सॉरी इंडिया बजट। तो मोदी जी डिसाइड करते होंगे, बराबर है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता। आज ये सवाल जरूर पूछता हूँ, ऑफिस में मजा आएगा। मैं रोज तुम्हें एक सवाल जरूर ऐसा दूंगा जो जिससे तुम अपने जूनियर के मजे ले सको, नॉलेज दिखा के। नॉलेज दिखा के, ऐसे मजे नहीं, नॉलेज के साथ मजे खेलो, दोनों का इम्प्रूवमेंट होगा। बताओ कौन सा? सर टैक्स जो आता है क्या ये डिवाइड किया जाता है? यस, टैक्स जो आता है ये डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिविजन कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन राइट, ये डिसाइड करता है किनके साथ? प्रेसिडेंट के साथ, कि भैया ये जो टैक्सेस आया ये कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन नाम का एक कमीशन है जो रिकमेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, आपने इंटर से पढ़ते आया है जब भी टैक्स होता है तो टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है, सरचार्ज होता है, सेस भी होता है,
करेक्ट है ना, तीनों चीज का कॉम्बिनेशन मिला करके हम क्या कहते हैं, टैक्स। इट इज ओनली द टैक्स विच गेट डिवाइडेड, सरचार्ज इज ओनली केप्ट बाय यूनियन एंड सेस इज केप्ट बाय यूनियन बट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो दो वी से टैक्स के अंदर में तीन चीजें हैं, जब भी हम टैक्स की बात करते हैं टैक्स में तीन बातें करते हैं, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, ऐसी तीन बात करते हैं। बट माई फ्रेंड इट इज ओनली द टैक्स विच गेट डिवाइडेड, सरचार्ज एंड सेस आर नॉट डिवाइडेड। सरचार्ज कैन ओनली बी केप्ट बाय यूनियन एंड सेस इज ओनली केप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। लेट मी गिव यू व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस। HEC लगता है, वी ऑल नो 4% से लगता है। HEC का फुल फॉर्म होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं जहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है, राइट, इसका पूरा पैसा आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से। दूसरा आता है मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, ये कहाँ से चल रहा है, इसका पूरा पैसा आता है एजुकेशन सेस से। यस और नो? तो आइए हम बात करते हैं सेस मतलब क्या होता है, और मैं वापस से आऊंगा डिविजन कैसे होता है उसके ऊपर, राइट। जैसे कि मैंने कहा इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्टेड पढ़ना पड़ता है सारी चीजें। सेस एक एडिशनल लेवी है, राइट, कलेक्टेड किया जाता है ओनली एंड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका मीनिंग समझते हैं जरा, तो सेस का पैसा है क्या मैं उसे रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ? आंसर इज नो। इट कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। यस, बताइए कोविड के अंदर में आपको फ्री वैक्सीनेशन लगे, पैसा कहाँ से आया सर? वैक्सीनेशन कंपनी को तो पैसा दिया होगा, तो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन लगाए, फ्री टीके लगाए दो दो, ये कहाँ से आए होंगे सर? हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका पैसा यूज किया गया। यस और नो? राइट, इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। इट इज कलेक्टेड नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड इट इज नाउ कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर है? क्या ये डिवाइड होता है? नहीं, केप्ट ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आते हैं सरचार्ज। सरचार्ज लगाने का पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल नंबर 271। यस और नो? सरचार्ज लगाने का जो पावर है ये खुद कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल नंबर 271। आइए आर्टिकल नंबर 271 भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 271, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस रिफर्ड इन दोज आर्टिकल बाय अ सरचार्ज। तो टैक्स और ड्यूटीज के ऊपर एक एडिशनल अमाउंट लगाई जा सकती है सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। समझा के क्या है? जैसा कि मैंने कहा टैक्सेस कैन बी डिवाइडेड, सरचार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड, सरचार्ज इज ओनली केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन। अब एक मस्त बात बताऊं आपको, साल था 2019, टैक्स में आपको बहुत सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और मजा भी आएगा क्योंकि समझ आएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। साल था 2019, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एक टर्म खत्म कर चुकी थी, अब अपने आगे के इरादों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था। यू विल बी सरप्राइज टू नो टैक्स नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ सरचार्ज बढ़ाया गया। टैक्स वही रखा गया, सिर्फ क्या बढ़ाया गया? सरचार्ज, ताकि क्लियर कट बता सके दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज मेड दिस पर्टिकुलर स्कीम। बड़े स्मार्टली सरचार्ज के रेट को 10 और 15% की जगह 25% 37% तक के लेके गए, लेकिन सिर्फ सरचार्ज को लेके गए, टैक्स को नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज पैसा यूनियन में चाहिए था, स्टेट में नहीं। बड़ा स्मार्टली प्ले किया गया, बहुत कम लोगों को समझा, लेकिन जिसे समझ आया उसको समझ में आ गया कि गेम बड़ा स्मार्टली प्ले किया गया। यस, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन एंड होल और एनी प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या मीनिंग हुआ, शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जितना भी टैक्स, सरचार्ज, सेस जो कलेक्ट होता है, इसे एक जगह रखा जाता है, दिस इस जगह को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस और नो? तो इट इज काइंड ऑफ अ फंड जहां पे सारे टैक्सेस, सारे ड्यूटीज, सारे सरचार्ज एंड सारे सेस कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें से जितना सरचार्ज का पोर्शन कलेक्ट हुआ उसको निकाल के अलग प्रोविजन बना दी जाती है। सरचार्ज और टैक्सेस जो है, सरचार्ज जो है उसको यूनियन के पास रख दिया जाता है, और जो टैक्सेस है उसे यूनियन और स्टेट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबको सबका पैसा मिल गया मशीनरी चलाने के लिए, सब अपना पैसा अकॉर्डिंगली चलाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, यहीं पे आते हैं वापस आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 ही वो आर्टिकल है जो डिवाइड करता है टैक्सेस को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो टैक्स कलेक्ट होता है, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दे दिया, आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। और डिवाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट सर।
तो ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज वर्ड, देखिए यहाँ सरचार्ज और सेस वर्ड नहीं है, सिर्फ टैक्सेस एंड ड्यूटीज वर्ड है. ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शैल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन अ मैनर स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट. अब आइए प्रेसिडेंट का पोस्ट भी समझ लेते हैं. प्रेसिडेंट का पोस्ट जो होता है, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट हो जाता है, इसके बाद उनका स्ट्रेट रिटायरमेंट होता है, फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहते, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू बी अनबायस्ड. और इसीलिए वो एक पोजीशन ऐसी है जो टैक्सेस को डिवाइड करते हैं. इवन दो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश ने आपको टैक्स, उत्तर प्रदेश ने आपको वोट नहीं दिए, तो हो सकता है आपसे बदला निकाला जाए जो सेंटर में बैठा हो. पॉसिबल है ना, एक पॉसिबल है ना. अच्छा तुमने मेरे को नहीं दिया क्या, ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हारे को. पॉसिबिलिटी बन सकती थी, वो भी अवॉइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त. वो भी बोल दिया कि सरकार क्या करना है आपको, आपको स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया. ना तुम इस पार्टी को बिलोंग करते हो ना इस पार्टी को, तुम फेयरली डिसाइड करो किसको कितना जाएगा. समझ आ रही है बात. तो चलिए पढ़ते पढ़ते बहुत सारे आर्टिकल पढ़ डाले हमने. बताइए पहला आर्टिकल क्या था, रिवाइज करते हैं फटाफट क्विकली. आर्टिकल 265 हमें पावर देता रहा टैक्स इम्पोज या कलेक्ट करने के लिए, पर ये टैक्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए थी. तो दो और आर्टिकल आया, आर्टिकल 245 जिसने किसको पावर दिया, प्रेसिडेंट को. आर्टिकल 123 जिसने किसको पावर दिया, सॉरी आर्टिकल 245 पार्लियामेंट, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को पावर मिला टू मेक लॉ. बराबर है, फिर हमारा लॉ बन गया. अब ये लॉ एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, तीन लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. और हमने पावर दे दिया यूनियन लिस्ट अंडर एंट्री नंबर 82. अब सेंटर क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा. हमारे मन में फिर से सवाल उठा, ये टैक्स कलेक्ट तो हो गया लेकिन सिर्फ सेंटर रखेगा क्या. तो यहाँ से आर्टिकल आया आर्टिकल नंबर 270 जिसने बताया कि जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो किसके बीच में डिवाइड होगा, सेंटर एंड स्टेट. सेंटर डिसाइड करेगा क्या, नहीं, डिसीजन करने के लिए अनबायस्ड पर्सन को रख दिया प्रेसिडेंट. आप डिसाइड करो किसको कितना मिलना चाहिए. हमने देखा कि सिर्फ टैक्स लगता है क्या, नहीं, सरचार्ज और सेस नाम की भी कोई चीज होती है. तो ये सरचार्ज लगाने का पावर किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में. और सरचार्ज से कलेक्ट होने वाला पैसा भी पूरा किसके पास रहेगा, सेंटर. हालांकि सेस जो है ये कलेक्ट किया जाएगा लेकिन इसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. क्लियर है. आइए अब इसमें से कितना पोर्शन लिखना है मैं आपको बताता हूँ. टैक्स इंक्लूड्स सरचार्ज एंड सेस. टैक्स आर्टिकल 246 सरचार्ज आर्टिकल 271 एंड HEC जनरल पावर, ये तीनों भी पार्ट बनते हैं किसका, CFI. व्हाट इज CFI गाइस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. टैक्स इज डिवाइडेड इन सेंटर एंड स्टेट, सरचार्ज ओनली कीप्ड बाय सेंटर, ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस.
इज इट डन? चलिए जी, आते हैं बजट को समझने के लिए। ये समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस साल बजट भी आया है, इलेक्शन भी आए हैं, और इसका क्या रोल पड़ता है और इससे क्या होता है, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। ये पार्ट आप अपने जूनियर्स को भी जरूर समझाइएगा। सबसे पहले आता है बजट। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से बनता है? बजट बनता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से। बहुत मिसकंसेप्शन है कि बजट बनता है फाइनेंस एक्ट से। गलत है सर, बजट बनता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से। जब ये बजट पास हो जाता है तब जाके वो बनता है फाइनेंस एक्ट, और फाइनेंस एक्ट एनुअली अपडेट होता है और इनकम टैक्स, कस्टम एंड जीएसटी को अपडेट करता है। यानी प्रैक्टिकली फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के अंदर में प्रेजेंट होता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। इसके बाद इसे डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, इसके बाद इसे अप्रूव किया जाता है टू बिकेम फाइनेंस एक्ट। हर साल इनकम टैक्स अपडेट नहीं होता, फाइनेंस एक्ट अपडेट होता है ताकि वो इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम्स में अपडेट कर सके। बात को पूरी ध्यान से सुनिएगा, बराबर है? अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। जब बजट आता है, क्या बजट को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाता है? आंसर इज नो। रिसेंटली आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया और ये बजट के बाद राघव चड्ढा जी थे जो अपोजिशन में थे, जिन्होंने बोला कि आप प्लीज इंडेक्सेशन को मत हटाइए, इंडेक्सेशन को अगर आप हटा देते तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने में इशू आ जाएगा। रिसेंट वायरल चीज है, आपने जरूर देखी होगी, बराबर है? अब ये हुआ क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और बजट डिबेट होना चालू हो गया। क्या अब तक के फाइनेंस बिल जो आया है वो कंप्लीट हो चुका है? द आंसर इज अगेन नो। अब तक के इसे अप्रूव नहीं किया गया, अभी इसके ऊपर डिस्कशन चालू है एक एक पॉइंट को लेकर के, जिसमें अब तक जो डिस्कशन हुए, जिसमें इंडेक्सेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, दूसरा टैक्स रेट को लेकर के एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, और तीसरा एसटीटी को लेकर के भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि मैडम इस चीज के ऊपर कंसिडर कीजिए। अभी इसके ऊपर डिबेट चालू है, एंड वंस इट विल बी फाइनलाइज इट विल बिकेम पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड देन द अमेंडमेंट विल कम इन इनकम टैक्स एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरी बात बजट को समझते हैं। बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनल बजट और दूसरा होता है इंटरिम बजट। पहला बजट क्या होता है? फाइनल बजट, और दूसरा होता है इंटरिम बजट। ऐसे दो प्रकार के बजट होते हैं। जो फाइनल बजट होता है इसे हर साल 1 फरवरी को लॉन्च किया जाता है। एक समय था जिसे 28 फरवरी को लाया जाता था, पहले रेल बजट आता था और फिर फाइनेंस बजट आता था। हियर एंड आफ्टर इसको मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में ही चेंज कर दिया। अब फाइनेंस बजट एंड रेल बजट एक ही दिन पे आता है, सुबह पहले फाइनेंस बजट हो जाता है और बाद में लेटर इन द डे रेल बजट आता है, तो एक ही दिन में दोनों बजट करके काम खत्म कर दिया जाता है। हर साल एक ही बजट आता है, लेकिन इन द ईयर ऑफ इलेक्शन दो बजट आता है जिसे कहा जाता है इंटरिम बजट। ये क्या कहा जाता है? इंटरिम बजट। इसे कुछ ऐसे समझिए, 2014 बराबर है, फरवरी के टाइम पे ओल्ड गवर्नमेंट ने परंपरा के हिसाब से अपना बजट लाया होगा, पर वो बजट इंटरिम बजट था क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे मई में, इस पूरे लेक्चर के दौरान मैं कई जगह पे एनडीए, कांग्रेस आप वर्ड यूज करूंगा, प्लीज आप इसे इससे मत जोड़िएगा और अपने पॉलिटिकल कॉजेस को प्लीज बाजू रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उस प्रोविजंस को बड़े डिटेल में। यस, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हमारा एक ही पॉलिटिकल पार्टी आईसीआई, ठीक है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी को हम दिल से सपोर्ट करते हैं और हमारा पॉलिटिकल कॉज अपने दिल में है और हम सब सही है, ठीक है, तो एक बार याद रखना। तो इसको ऐसे दिल से मतलब हाँ मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ लेकिन सर ने इसको बोल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। हम सबको सपोर्ट करते हैं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम अपने आप को ही सपोर्ट कर ले, ये बोलते हैं हाल फिलहाल में, तो बराबर है कि नहीं है, बराबर है? तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट आया, अब एनडीए गवर्नमेंट 18 जून को आया, इन्होंने बजट लाया 23 जुलाई को, 23 जुलाई, है ना, खैर उसे बजट नहीं बम स्पोर्ट कहना चाहिए, बजट लेकर के आया। अब न्यू गवर्नमेंट ने जो बजट लाया, प्रैक्टिकली ये कब से कब तक के वर्क करेगा? जून से लेकर के अगले मार्च तक के वर्क करेगा, यस, फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में। फिर 1 फरवरी को अगले साल बजट आ जाएगा, एनुअल बजट का रूल प्ले करेगा। सर, बजट के अंदर में जो अमेंडमेंट आते हैं ये सारे अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर्स के लिए होते हैं। बजट के अंदर में जो अमेंडमेंट आते हैं ये सारे के सारे अमेंडमेंट किसके लिए होते हैं बेटा? असेसमेंट ईयर के लिए होते हैं, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स किस लैंग्वेज में लिखा है? असेसमेंट ईयर।
तो डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट होते हैं ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब समझिए अगर 1 फरवरी को बजट आता है, फाइनेंशियल ईयर आपका कब से चालू हो जाता है? 1 अप्रैल। जो बजट आया है ये कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बेसिकली टू थिंग्स, पहला टीडीएस के रेट, दूसरा एडवांस टैक्स। टैक्स जो आप पे करेंगे वो तो प्रैक्टिकली असेसमेंट ईयर में ही पे करेंगे, यानी इसे कुछ ऐसे समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने बजट लाया, अज्यूम करते हैं 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमन जी ने बजट लाया। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होता है? याद रखिए बजट है मतलब ट्रांजैक्शन से पहले ही होना है। 1 अप्रैल 2024 से आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, सीएस इस फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट होता है ये बजट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है? एडवांस टैक्स से रिलेटेड रेट, टीडीएस से रिलेटेड रेट, इस पे जो टैक्स पे करना है वो तो आप कब तक करोगे? असेसमेंट ईयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, एंड एज आई सेड होल इनकम टैक्स कौन से लैंग्वेज में लिखा है बेटा? असेसमेंट। तो आपको टीडीएस के रेट के लिए, एडवांस टैक्स के रेट के लिए, राइट, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो चीज यूज करनी है जो बजट के अंदर में आई है। लेकिन इसका जो रिटर्न भरना है वो कब भरना है? असेसमेंट ईयर में। टैक्स रेट जो होंगे ये कब होंगे? असेसमेंट ईयर में। Yes or no? तो सबसे पहले आया होगा फाइनेंस बिल। आइए मैं अब आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, सिर्फ सीए बनने के लिए नहीं। क्योंकि देखिए क्लास तो आप अभी कर रहे हैं फाइनल के अंदर में, जब आप कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको हर साल जरूरत पड़ेगी कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट कहाँ कहाँ हुए हैं ये समझने के लिए। ये अमेंडमेंट समझने के लिए दो तरीके हैं। एक, या तो आप रेडीमेड चीज यूज कर लो, जिसे आपके ऑफिस में कहा जाता है रेडी रेकनर। अब देखिए आपके ऑफिस में एक बुक पड़ी होगी, कन्फर्म एक बुक, एक तो एक्ट मिलेगा आपको, एक रूल्स मिलेगा, लेकिन आपके बॉस के टेबल पे हमेशा एक बुक मिलेगी, वो होगी रेडी रेकनर। रेडी रेकनर क्या होता है? इन बुक्स को मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट डे है और आपको ये समझना बड़ा जरूरी है। रेडी रेकनर क्या होता है? सर बजट जब भी आता है इसके बाद क्या होता है, इस बजट को बड़े आसान शब्दों में विथ एग्जाम्पल समझाया जाता है, और विथ एग्जाम्पल समझने के लिए ये रेडी रेकनर में अवेलेबल होता है। बराबर है? तो अकॉर्डिंगली ऑथर जो होते हैं, जैसे टेक्समैन हो गया, भारत पब्लिकेशंस हो गया, और बहुत सारे ऑथर्स रेडी रेकनर लेकर के आते हैं। ये रेडी रेकनर इनकम टैक्स में जहां जहां चेंजेस आए हैं, और इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट थिंग बस अमेंडेड पार्ट में बड़े शॉर्ट में बता दिया जाता है। ये होता है रेडी रेकनर, जो आप अवेलेबल करवा सकते हैं कोई भी स्टोर से। जनरली बजट आने के बाद 10-15 दिन के अंदर में ये इशू कर दिया जाता है रेडी रेकनर। मान लीजिए आप खुद वो ऑथर बनना चाहते हैं जो रेडी रेकनर बनाए, है ना, या फिर आप रेडी रेकनर तक के वेट नहीं करना चाहते। जैसे आप देखिए 23 जुलाई को बजट आया, मैक्सिमम अमेंडमेंट 23 जुलाई से डाल दिए, 23 जुलाई के पहले ही है, 23 जुलाई के बाद ही है, मैक्सिमम अमेंडमेंट डाल दिए। अब आपको तो रिटर्न भरना है, रिटर्न भरते टाइम पे आपको तो आज ही चीजें एडजस्ट करनी है ताकि अगले साल के लिए आप प्रॉपर एडजस्टमेंट्स कर सको। बराबर है? क्योंकि देखो खर्चे तो आप इस साल ही बुक करते हो ना, ताकि असेसमेंट ईयर में जब मैं रिटर्न भर दूं तब इनकम कम आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज इंटर वालों के लिए बहुत अच्छी है, नहीं असेसमेंट ईयर में होगा, बट डीप डाउन दोज हू हैव डन आर्टिकलशिप वी ऑल नो हमारे को जितने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं सब करंट ईयर में ही करने पड़ते हैं, है ना। और ये कहने के लिए द टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर, एडवांस टैक्स के फॉर्म में भी पे हो जाता है, टीडीएस के फॉर्म में भी पे हो जाता है। ये सुनो, वो तो सिर्फ कहने के लिए टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर, सिर्फ इतनी लाइन होनी चाहिए थी रिटर्न इज फाइल्ड इन असेसमेंट ईयर, लाइन इतनी होनी चाहिए थी। सारे एडजस्टमेंट आपको फाइनेंशियल ईयर के अंदर में करने पड़ते हैं। अब आपका इशू क्या है? अब आपका इशू है कि आपको पता चले बजट कब आए। आइए आपको समझाता हूँ। अब आप कुछ वेबसाइट्स के साथ, आपने दो वेबसाइट जरूर देख ली होगी, एक देखी होगी ई फाइलिंग इनकम टैक्स, एक देखी होगी इन वो सीपीसी टीडीएस, यस और नो, ट्रेसेस, स्पेसिफिकली ट्रेसेस का वेबसाइट, यस और नो। एक और वेबसाइट बताता हूँ जो आपके बड़े काम आएगी, इंडिया बजट .nic.in। ये देखिए ये एक वेबसाइट है indiabudget.nic.in। indiabudget.gov.in बराबर है? जैसे आएंगे आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे फाइनेंस बिल। ध्यान से सुनिए, आज बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में आप सब सीखने के लिए आए हैं, है ना। फास्ट ट्रैक होता तो शायद मैं इतना डीप में नहीं सिखाता, आता और डायरेक्ट चालू पड़ जाता, पर नहीं, आपको पूरा सीखना है इसलिए आप रेगुलर में आए हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंस बिल नंबर 2। तो क्यों है आपके हिसाब से? पहले इंटरिम बजट आया होगा, फिर क्या आया होगा? फाइनल बजट। ये फाइनल बजट है इसलिए इसको फाइनेंस बिल 2 कहा जा रहा है। समझ आ रही है बात? एक फरवरी को आ गया होगा और ये है फाइनेंस बिल। अगर आप ध्यान देंगे तो इसे बिल कहा गया है, एक्ट नहीं, क्योंकि बिल के बाद इसके ऊपर क्या हो रहा है? डिस्कशन। और डिस्कशन के बाद ये क्या बनेगा? एक्ट। और फाइनेंस एक्ट किसके अंदर में अमेंडमेंट लेके आएगा? इनकम टैक्स, कस्टम, जीएसटी एटसेट्रा। समझ आ रही है बात? यह है फाइनेंस बिल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज द फाइनेंस बिल जिसके अंदर में बताया होता है कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है। इट इज द फाइनेंस बिल जिसके अंदर में बताया है व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। यस, कहाँ कहाँ क्या क्या अमेंडमेंट है। इस फाइनेंस बिल के अंदर में शेड्यूल भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस फाइनेंस बिल के अंदर में शेड्यूल भी होता है। ये शेड्यूल क्या रोल प्ले करता है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिखा है। जब भी फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, इसके पीछे चार शेड्यूल होते हैं जो एग्जैक्टली आपके काम आते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंस एक्ट के पीछे चार शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1, मतलब प्रैक्टिकली शेड्यूल 1 होता है जिसके चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द शेड्यूल के अंदर में 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 आपको बताता है एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर के लिए रेट क्या होंगे। पार्ट 1 आपको बताता है एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर के लिए रेट क्या होंगे। पार्ट 2 आपको बताता है टीडीएस के रेट्स क्या होंगे। तो आप जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर में हैं, फाइनेंशियल ईयर में किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, कौन से सेक्शन में, ये रेट अगर बदले हैं तो आपको प्रैक्टिकली शेड्यूल 1 पार्ट 2 में आपको जाकर के देखना है कौन से सेक्शन के अंदर में क्या रेट चेंजेस आए हैं। क्योंकि हो सकता है पिछले साल तक के टीडीएस के रेट अलग हो और इस साल के टीडीएस के रेट अलग हो, तो वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में आपको सैलरी के ऊपर टीडीएस और टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। एंड पार्ट 4 के अंदर में एग्रीकल्चर इनकम है तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर टैक्स बताया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है? शेड्यूल 2 फाइनेंस एक्ट। बराबर है? आइए बजट समझते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 2, इंटरिम एंड फाइनल। फाइनल बजट कब आता है सर? एवरी ईयर। इंटरिम बजट कब आएगा बॉस? इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। बताइए, बजट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एक्ट? FRBM एक्ट, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर में चेंजेस आएंगे ET एंड IDT। तो जब भी आपका बजट क्या बनेगा बेटा? फाइनेंस बिल जब क्या हो जाएगा? पास, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट के अंदर में आपको कितने चेंजेस मिलेंगे? DT एज वेल एज IDT। DT के चेंजेस कब से इफेक्टिव होंगे? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो भी बजट आया होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से ये बजट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। यस, IDT के अमेंडमेंट्स कब से एप्लीकेबल है? IDT के अमेंडमेंट्स उसी रात से एप्लीकेबल होते हैं, मिडनाइट से। जैसे GST के रेट अगर चेंज किए होंगे किसके ऊपर? गोल्ड के ऊपर। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। कस्टम ड्यूटी 2024 बजट के अंदर में 15% से गोल्ड की रिड्यूस करके क्या कर दी गई? 6% पे ला दी गई। बराबर है? गोल्ड इज अ कमोडिटी, इसके ऊपर GST लगना चाहिए। बराबर है कि नहीं है? गोल्ड का रेट उस टाइम चल रहा था 74,000 रुपीज अ ग्राम। जैसे ही कस्टम ड्यूटी 15% से 6% पे रिड्यूस करी, गोल्ड का रेट आ गया 68,000 रुपीज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब ऐसा क्यों हुआ? गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था। चांदी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लगभग 1 लाख रुपए पे चांदी टच कर गई थी, कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। इसीलिए क्या किया गया? कस्टम ड्यूटी 15% से 6% पे रिड्यूस की गई ताकि जो गोल्ड है ये सस्ता हो सके और ये आम आदमी के बजट में आ सके। समझ आ रही है बात? तो कस्टम रेट 15% से 6% पे ला दिया, अगले दिन से ही गोल्ड का रेट 74,000 से टूट करके 68,000 पे आ गया, खत्म हो गया काम। समझ आया? तो IDT के अमेंडमेंट्स उसी रात से अप्लाई करते हैं। DT के अमेंडमेंट्स जो है ये कब से अप्लाई करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से। इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको कब देखने को मिलता है? रिटर्न भरते वक्त, असेसमेंट ईयर। यस और नो? राइट। तो आइए थर्ड पॉइंट भी लिख देते हैं हम लोग, बजट। नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं, बजट। इज ब्रॉट थ्रू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये मैं जानबूझ करके आपको लिखा के दे रहा हूं, क्योंकि टीसीएस, टेक महिंद्रा, टर्म्स, इन सबका इंटरव्यू क्वेश्चन है। बजट इज ब्रॉट टू फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल वंस अप्रूव्ड बिकेम फाइनेंस एक्ट। चेंज इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, कस्टम एटसेट्रा, अदर लॉ। अच्छा, अब इसमें अदर लॉ भी है, जैसे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट। इसीलिए जब फाइनेंस बिल बनता है तो ब्लैक मनी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इससे रिलेटेड फाइनेंशियल लॉ पूरे चेंज होते हैं। डीटी अमेंडमेंट्स इज एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंस आईडीटी अमेंडमेंट्स इज इफेक्टिव इमीडिएटली। इज इफेक्टिव इमीडिएटली। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1 फेब के दिन बजट आता है। एग्जाम्पल लेते हैं 1 फरवरी 2025। मैं 24 जानबूझ के नहीं ले रहा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है उसके अंदर में, इजी एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। इंप्लीमेंट कब से होगा ब्रो? 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। आपका असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा? 26, 27। जब आप इसका ROI क्या करेंगे बेटा? फाइल। एंड पे क्या करेंगे बेटा? टैक्स। अब मैं आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं, आपके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं? 23 वाला बजट या 24 वाला बजट? 24 वाला बजट आपके लिए एप्लीकेबल, बिकॉज बजट जो 1 फरवरी को आया होगा, या इलेक्शन ईयर होने के कारण 23 जुलाई को आया होगा, बराबर है? इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ होगा? 1 फरवरी को जो बजट आया होगा वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हुआ होगा, और 23 जुलाई को जो बजट आया होगा वो तुरंत ही इम्प्लीमेंट हो गया होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो तुरंत ही इम्प्लीमेंट हो गया होगा विद इफेक्टिव डेट। तो पूरा 24-25 का बजट होगा, इसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे 25-26, आपका अटेम्प्ट है 25। तो आपके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? बजट 2024। यस, तो फॉर मई, नवंबर एंड जून, दिसंबर 25 अटेम्प्ट, बजट 2024 वन एंड टू आर एप्लीकेबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहला आया होगा 1 फरवरी 2024 को, और दूसरा आया है 23 जुलाई 2024 को, बराबर है ना? इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है 1 अप्रैल से,
एंड 23 जुलाई से ऑलरेडी, बराबर है। तो आप सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या बना? 24-25। असेसमेंट ईयर क्या बना? 25-26 फॉर द एवरी टॉपिक। समझ में आया? आपके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या बन गया? 24-25। और असेसमेंट ईयर क्या बन गया? 25-26। तो आप जितने भी बच्चे मई 25, नवंबर 25, दिसंबर 25 दे रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये बजट एप्लीकेबल है। आपके लिए दोनों फाइनेंस बिल काम के, फाइनेंस बिल 1 जो 1 फरवरी को आया था वो भी, और फाइनेंस बिल 2 जो 23 जुलाई को आया वो भी। अब अंडरस्टैंड कीजिए एग्जैक्टली आपको अमेंडमेंट कैसे वर्क करेंगे। कुछ अमेंडमेंट आपको 1 अप्रैल से आए होंगे, क्योंकि आपके केस में 2 बजट आ रहा है ब्रो। तो कुछ अमेंडमेंट आपको 1 अप्रैल से ही इम्प्लीमेंट कर दिए होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। और मैक्सिमम अमेंडमेंट आपको कब देखने को मिले होंगे? 23 जुलाई। समझ में आई? न्यू सरकार जैसी है, उसने नए बहुत सारे अमेंडमेंट लाए, इसीलिए जो बिल 1 आया था उसके अंदर में फ्यू ही अमेंडमेंट्स थे, 2 ही अमेंडमेंट्स थे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में। पर जो बिल 2 आया दैट इज 23 जुलाई को, इसके अंदर में 87 अमेंडमेंट्स। अब आते हैं काम की बात पे। जो बच्चा नवंबर 24 दे रहा होगा के लिए 23 वाला एप्लीकेबल है। अब जिसका नवंबर 24 क्लियर नहीं हुआ और मई 25 में आएगा, के लिए पूरा फाइनेंस एक्ट ही चेंज, के लिए पूरा फाइनेंस एक्ट ही चेंज है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग डीटी वापस पढ़ना पड़ जाएगा। पर अज्यूम कीजिए मई 25 किसी ने दिया एंड समहाउ क्लियर नहीं हो पाया और ही हैज डिसाइडेड कि मैं सिर्फ ग्रुप 1 दूंगा, ग्रुप 2 नहीं दूंगा, या नवंबर 25 के लिए कुछ चेंजेस आएगा, और अगर आएगा तो कौन सा, ये बताओ। प्रैक्टिकली सिर्फ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स ही आएंगे, बजट तो वही रहेगा ना ब्रो, बजट चेंज नहीं होने वाला, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट वही रहेगा। तो इफ यू हैव गिवन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नवंबर 24 वाला बच्चा है जो मई 25 देना चाह रहा है, इसको न्यू बैच देखनी चाहिए, न्यू रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, या ओल्ड रिकॉर्डिंग प्लस अमेंडमेंट से काम हो जाएगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो। पूछिए क्यों? खबर लो किसी ने नवंबर 24 का बैच ले लिया और बाद में वो बोलता है मैं मई 25 में शिफ्ट होता हूँ, तो क्या ओल्ड रिकॉर्डिंग देख के प्लस न्यू अमेंडमेंट देख के उसका काम हो जाएगा क्या? प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉर दिस बजट द आंसर इज नो। व्हाई? कैपिटल गेन की रेट ही चेंज हो गए। अब सोचो आपने कैपिटल गेन के लिए शॉर्ट टर्म में पढ़ा होगा 15% और 20% फॉर दिसंबर 24 अटेम्प्ट, पर मई 25 के लिए 23 जुलाई के बाद The tax rate is 20% or 12.5%. अब जिसने ट्रांसफर किया है बिफोर 23 जुलाई उसको ओल्ड रेट है, आफ्टर 23 जुलाई जिसने ट्रांसफर किया है उसको न्यू रेट है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका तो पूरा कैपिटल गेन चेंज हो गया, एनआर टैक्सेशन का कैपिटल गेन चेंज हो गया, आपके टीडीएस के रेट चेंज हो गए और 87 जगह पे अमेंडमेंट है। अब बच्चा क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, नवंबर 24 ले लेगा, बोलेगा मैं मई 25 दे दूंगा, अमेंडमेंट का 3 घंटा पढ़ लूंगा। अरे सिर्फ अमेंडमेंट नहीं पढ़ना है, वो अमेंडमेंट जहां जहां इफेक्ट कर रहा है वो पढ़ना है। आपका क्वेश्चन बैंक चेंज हो गया, ऐसा क्या कर रहे हो? क्वेश्चन आंसर चेंज हो गया, क्वेश्चन बैंक चेंज हो गया, और ये अमेंडमेंट एक जगह इंपैक्ट नहीं करता। कैपिटल गेन का रेट का चेंज आपको टीडीएस में भी इंपैक्ट करेगा, एनआर टैक्सेशन में भी इंपैक्ट करेगा, और एनआर के टीडीएस में भी इंपैक्ट करेगा। तो आपको लगेगा मैं सिर्फ कैपिटल गेन के क्वेश्चन उतने पढ़ लूंगा, उतने चेंज कर लूंगा, नहीं हो सकता, यू हैव टू चेंज। बट हाँ, अगर कोई बच्चा, क्योंकि आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना पड़ेगा, और नवंबर के लिए आपने क्या पढ़ा होगा, नवंबर के लिए आपने पढ़ा होगा फाइनेंस एक्ट 2023, तो नवंबर 24 वाले बच्चे को फिर ये बैच देखनी चाहिए, फिर ये बैच करनी चाहिए। पर अज्यूम कीजिए आप मई 25 हैं और इसके बाद आप नवंबर 25 दे रहे हैं, There will be no change in Finance Act. समझ आ रहा है? लिख के रखो ये चीज, ये सवाल आप मेरे से पूछेंगे इसलिए लिख के रखिए। There will be no change in Finance Act. Finance Act आपका वही रहेगा, but आपको क्या करना होगा, आपको न्यू नोटिफिकेशन पढ़ने होंगे, क्योंकि मई अटेम्प्ट जब आप दे रहे होंगे तो आपने अक्टूबर 24 तक के नोटिफिकेशन पढ़े होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको न्यू नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे प्लस न्यू सर्कुलर पढ़ने पड़ेंगे प्लस न्यू जुडिशियल अपडेट्स पढ़ने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा भाई एक और बात बता दो, वो बच्चा नवंबर 25 के जगह मई 26 में चला गया तो फिर फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा। तो एक ईयर में जितने भी अटेम्प्ट आते हैं उसके
के लिए फाइनेंस एक्ट फिक्स रहता है, मेयर नवंबर का फाइनेंस एक्ट हमेशा फिक्स रहता है, सिर्फ एक चीज बदलती है, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पढ़ना पड़ता, बाकी कुछ नहीं। यस, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये एनुअल रिकॉर्डिंग है, इसीलिए हमने कहा ये रिकॉर्डिंग मई 25 नवंबर 25 दोनों को एप्लीकेबल है। सिर्फ एक चीज एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, बोलो बच्चा क्या? नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर जो मई 25 तक के आएंगे वो, के लिए मैंने कहा आपको एक लेक्चर वैसे एडिशनल देखना ही है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, वो डीटी में कहाँ से जाता है, आईडीटी में कहाँ से जाता है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बहुत बढ़िया, चलिए सर, शानदार। फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल वन के चारों पार्ट क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, आप जो अभी बच्चे आर्टिकलशिप के अंदर में होंगे, राइट, आपको करंटली क्या देखना चाहिए? शेड्यूल वन टू फाइनेंस एक्ट, ताकि आपको करंट ईयर का जो टैक्स रेट है ये पता चल जाए जो असेसमेंट ईयर में लगने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली क्लाइंट का जो टैक्स प्लानिंग है वो आप अभी से करना चालू कर दो, ताकि उसकी इनकम कितनी है और उसका टैक्स ब्रैकेट कितना है। तो मैं करंट ईयर में आपको क्या करना चाहिए, करंट ईयर में ये जो क्लासेस आप अभी कर रहे हैं ना, दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट अपडेटेड क्लास, जो आर्टिकलशिप के साथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि आप जो अगले साल रिटर्न भरेंगे उसका प्लानिंग आप इसी ईयर में करेंगे, इस साल के टैक्स को पढ़ते हुए, कि अगले साल जो मेरे को रिटर्न भरना है उसका प्लानिंग मेरे को आज से करना है। तो मैं हर क्लाइंट के लिए, स्पेशली जो टैक्स ऑडिट के अंदर में आते हैं, उनके लिए आप प्लानिंग में मार्च में जाके नहीं कर सकते कि मार्च में सारे पेमेंट करवा दो, उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ती है, खर्चे बुक करने पड़ते हैं, यस, एक्सपेंसेस बुक करनी पड़ती है, प्रोविजन बनानी पड़ती है, कितनी इनकम शो करना है, क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ तो आपको पता चल गई है, इनकम से टैक्स नहीं, टैक्स से इनकम निकलता है, बराबर है कि नहीं है? रियलिटी ऑफ लाइफ तो यही है ना, टैक्स से इनकम निकलता है, इनकम से टैक्स नहीं निकलता। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, ये था पूरा कवरेज कि आपको लेक्चर को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एटसेट्रा। अब प्रैक्टिकली हम लोग एंटर करते हैं इनकम टैक्स में, सेक्शन वन। देखिए, किसी भी एक्ट का सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए यूज होता है, बराबर है? द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हिच विल केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1962, implementation from next year, everybody, yes or no? Act contain 298 sections, Act contain 298 sections and 23 chapters, तो पूरा Act अगर आप देखेंगे तो वो 23 chapters के अंदर में divided है, पूरे 298 sections, yes or no? And there are 14 schedules to income tax, let me give you a brief, schedule क्या होता है? Schedule क्या होता है? देखिए, हर चीज Act में नहीं बताई जा सकती, इसीलिए क्या लाया जाता है? शेड्यूल लाया जाता है, ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो जैसे फाइनेंस बिल लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ ये लिख दिया जाएगा द टैक्स रेट विल बी गिवन इन शेड्यूल, क्योंकि अगर एक्ट में दे दिया तो उसका साइज बहुत बड़ा बन जाएगा, यस और नो? तो शेड्यूल में दिया जाता है कि इंडिविजुअल के लिए ये रेट, फर्म के लिए ये रेट, कंपनी के लिए ये रेट, यू नो, एओपी बीओआई के लिए ये रेट, ये सब कहाँ दिया जाता है बेटा? शेड्यूल के अंदर में दे दिया जाता है। लेट मी गिव यू, दिखा भी देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए फाइनेंस बिल को पढ़ना कैसे है। फाइनेंस बिल आपको दिया, अब फाइनेंस बिल के अंदर में देखो, जैसे ही आपका फाइनेंस बिल चालू होगा, इसके नीचे एंड में क्या दिया होगा? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। जब आप एकदम नीचे जाओगे ना, पूरा डीटी आईडीटी के सब अमेंडमेंट खत्म करके, तब आपको एंड में दिखेगा फाइनेंस शेड्यूल। और ये देखो, इस शेड्यूल के अंदर में आपको दिखेंगे इस पे टीडीएस का रेट क्या, हॉर्स रेसेस पे टीडीएस का रेट क्या, ऑनलाइन गेम्स पे टीडीएस का रेट क्या, ये जो आपको दिखेगा ना टीडीएस के सारे सेक्शन में किस जगह क्या रेट है, यहाँ देखने को मिलता है। शेड्यूल्स टू फाइनेंस एक्ट, क्लियर है मालिक? करंट ईयर में आपने शेड्यूल पढ़ना है, इफ एनी, हालांकि जरूरत नहीं, क्लासेस में सब कवर हो जाएगा। तो द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट, इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स वॉज ऑलवेज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं आर्टिकल 375 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद ये आया है, इट वाज ऑलवेज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज ऑलवेज कलेक्टेड एज अ लॉ ऑफ लैंड, और लॉ ऑफ लैंड कहाँ एप्लीकेबल था? जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल था। तो इनकम टैक्स वाज ऑलवेज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सर, इंडिया मतलब एग्जैक्टली क्या आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए इंडिया को डिफाइन करता है, वैसे ये डेफिनेशन कस्टम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, राइट? इंडिया कहाँ तक क्या आता है? पहला, सारा पूरा का पूरा लैंड मास कवर करता है, तो इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में डिफाइन किया गया है, तो पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट आल्सो इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर, सब सॉइल, कॉन्टिनेंशियल शेल्फ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होता है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इन वाटरवेज। इसको जरा कुछ ऐसे समझते हैं,
बराबर है। अगर हम इंडिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक के देखें तो ये होता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का डेफिनेशन रेलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स, अगर आपको याद हो तो। एनीथिंग विच कम्स विद इन 12 नॉटिकल माइल्स विल बी कॉल्ड एज एन इम्पोर्ट, और एनीथिंग विच गोज आउट ऑफ दिस 12 नॉटिकल माइल्स विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर ये डेफिनेशन कस्टम्स के लिए रेलेवेंट है, बराबर है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए 12 नॉटिकल माइल्स रेलेवेंट नहीं है। इनकम टैक्स नॉटिकल कहाँ तक कवर करता है? 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स एनीथिंग बिलो द सी, ऑन द सी एंड अबव द सी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इंडिया। अब इसको ऐसे समझती हैं, अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ, विद इन 200 नॉटिकल माइल्स ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ, और आपने वहीं के वहीं ऑयल एक्सट्रैक्ट करके क्या कर दिया? हाई सीज में एक्सपोर्ट कर दिया, हाई सीज के अंदर में दे दिया। अब प्रैक्टिकली आपका इनकम कहाँ अक्रू हुआ? विद इन 200 नॉटिकल माइल्स। क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। क्या इंडियन गवर्नमेंट इस पर टैक्स कलेक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। कस्टम पर्पस के लिए 12 नॉटिकल माइल रिलेवेंट है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए 200 नॉटिकल माइल रिलेवेंट है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.845 किलोमीटर रफली, बराबर है, 1.845 किलोमीटर। और ये जो नॉटिकल माइल्स है ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सरहद बनी हुई है ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा, सर व्हाट अबाउट द इनकम व्हिच इज जनरेटेड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स? यस और नो? क्योंकि विद इन 200 नॉटिकल माइल्स है इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू कलेक्ट द इनकम टैक्स। व्हाट अबाउट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स? अज्यूम कीजिए हाई सीज में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स को इनकम जनरेट हो जाती है, ये इनकम एक इंटरनेशनल इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर DTAA अप्लाई होता है। DTAA मतलब दो कंट्रीज के बीच में एक टैक्सेशन अग्रीमेंट। जैसे अज्यूम कीजिए अब इंडिया का जो ये पार्ट है ये समहाउ पाकिस्तान से भी कनेक्टेड है, ऐसा नो? ये गुजरात का पार्ट है, मुंबई का पार्ट है, ये समहाउ किससे कनेक्टेड है? पाकिस्तान से भी कनेक्टेड है 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में। अब क्या हो रहा होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के टेरिटरी से बाहर जा रहा है। अब ऐसे केस में वहां कोई इनकम जनरेट होती है, अगर शिपिंग से बोलो, हाई सीज से बोलो या किसी और चीज से बोलो, वैसे केस में इस पे DTAA अग्रीमेंट अप्लाई होता है। और DTAA अग्रीमेंट ये बड़ा क्लियर करता है वेदर पाकिस्तान कैन कलेक्ट द टैक्स और इंडिया कैन कलेक्ट द टैक्स, या फिर यू नो इसे इंटरनेशनल इनकम मान के एनी अदर कंट्री हैज द राइट इफ एनी, तो उसको DTAA के तहत ही क्लियर किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसके टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल टैक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे DTAA के अंदर में। ये आपको पूरा चैप्टर है DTAA, उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो विद इन 200 नॉटिकल माइल्स इंडियन गवर्नमेंट हैज पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस। आइए जरा इधर समझते हैं। तो इंडिया मतलब क्या हुआ? इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, एनीथिंग इन द सी बेड। तो समुद्र के अंदर से कुछ निकला इस पे भी टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। सी बेड से क्या निकलता है सर? ऑयल्स निकलता है आपका, केरोसिन्स निकलते हैं सी बेड, सॉइल सब सॉइल के थ्रू आपने कोई इनकम कमाई वो भी इसके अंदर में कवर होता है, यस, एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक के कवर किया जाता है, एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी आल्सो, एयर स्पेस से भी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो कलेक्ट किया जाता है। सर एयर स्पेस से कैसे इनकम जनरेट होती है? एयरलाइंस, एयरलाइंस के अंदर में अबव द सी बेड आपको कुछ गुड्स सेल किए जाते हैं और इनकम जनरेट होती है। फ्लाइट्स के अंदर में जो गुड्स सेल किए जाते हैं प्रैक्टिकली वो ऑन लैंड नहीं है, ऑन शोर नहीं है, वो ऑन द एयर है, और उससे भी जनरेट होने वाली इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अब देखिए ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली वो किधर सेल हुआ होगा, तो उसे टेंटेटिव बेसिस पे टैक्स किया जाता है और जनरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किए जाते। सो द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया कहां तक जा रहा है? टेरिटरी, वाटरवेज में 200 नॉटिकल माइल्स एंड एयर स्पेस अबव सी बेड पूरा का पूरा कवर किया जाता है। It will came into force on 1st April 1962. It has 23 chapters. Act contain 98 sections. और कितने schedule cover हो रहे हैं? 14. Register में हमें सिर्फ दो ही part लिखने हैं। आइए last चीज क्या लिखी थी हमने? Budget. Budget के बाद आइए section 1. Act is applicable. ऑफ इंडिया इट कंटेन 298 सेक्शन डिवाइडेड इन 23 चैप्टर्स
एंड 14 शेड्यूल्स। शेड्यूल टू फाइनेंस एंड शेड्यूल टू इनकम टैक्स एक्ट अलग अलग है। और याद रखे रजिस्टर में हम उतना ही लिख रहे हैं जितना रेलेवेंट है, बाकी सब हमने नोट्स में दे रखा है। तो हमको जो रिविजन पर्पज के लिए चाहिए उतना ही, जब आप डेली बेसिस पे घर जाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ वही रिवाइज करेंगे जो रजिस्टर में। एक बार नोट से देख लेना, बट मैं लिखा उतना ही रहा हूं जितना आपके लिए रेलेवेंट है, ताकि आप एग्जाम में भी उतना ही पढ़ें। अब जैसे इंडिया का डेफिनेशन या सेक्शन वन पूरा का पूरा आपके काम का नहीं, क्यों लिखना है सर? यस, अब पढ़ने में उतना दिमाग लगाओ। इज इट डन? चलिए आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। मैं वन से जा रहा हूं सीधा फोर पे। मैं वन से कहां जा रहा हूं सर? सीधा फोर पे जा रहा हूं। सेक्शन फोर द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन फोर द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है सर? आइए द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स पढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिए, और इसका एक एक वर्ड एक एक डेफिनेशन बनाएंगे, डीप में जाएंगे। पढ़िए मेरे साथ। द इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। जैसा कि मैंने कहा हर साल इनकम टैक्स अमेंड नहीं होता, फाइनेंस एक्ट का पार्ट वन शेड्यूल वन आपको रेट लेके आता है। तो रेट हम हर साल कहां से देखेंगे? फाइनेंस एक्ट से। क्लियर है? सो द इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। अगर मैं इस डेफिनेशन को हिंदी में कहने जाऊं और बड़े सिंपल शब्दों में कहने जाऊं, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है, हम इस पर इनकम टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में उस रेट से जो फाइनेंस एक्ट में दिया है। वापस से, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है, हम इस पर इनकम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में उस रेट से जो फाइनेंस एक्ट में लिखा है। क्योंकि फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में है, बराबर है कि नहीं है? नाउ अंडरस्टैंड करते हैं एक एक वर्ड को। सेक्शन फोर ने हमें बड़े सिंपल सी बात करी, इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। इसमें के एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एनी पर्सन। कम ऑन, ये तो आप लोगों ने इंटर के अंदर में भी पढ़ा है पर्सन का डेफिनेशन। द पर्सन वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। दे विल नेवर आस्क यू अ थ्योरी क्वेश्चन, पर्सन का डेफिनेशन बताओ। ये इंटर टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर है कि आप किसका डेफिनेशन बताओ? पर्सन का डेफिनेशन। बट हाँ, पर्सन में क्या क्या आता है इसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन। अब जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, इंडिविजुअल के अंदर में कौन कवर होता है सर? नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल के अंदर में कौन कवर हो रहा है सर? नेचुरल पर्सन सारे के सारे कवर होते हैं। तो बताइए क्या इसमें मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर तीनों भी कवर है? आंसर इज यस। क्या कोई माइनर भी कवर हो जाता है इस चक्कर में? आंसर इज यस, माइनर भी कवर हो जाता है, बिकॉज माइनर इज ऑल्सो नेचुरल पर्सन। इसीलिए सेक्शन 64(1) माइनर की इनकम के साथ क्या डील करता है ये बताता है। समझ आ रही है बात? तो सीनियर सिटीजन भी कवर हो जाता है, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल भी कवर हो जाता है इस डेफिनेशन के कारण, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ नेचुरल पर्सन। क्लियर है? दूसरा आता है HUF। HUF इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सन। यस, HUF दो स्कूल ऑफ थॉट से चलता है, आपको अगर याद हो तो, दया भागा एंड मिताक्षरा। और ये मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ मैं आपको आज मॉड्यूल ओपन करके भी दिखाऊंगा और हर चैप्टर के साथ ही दिखाऊंगा। ये सारा डिस्कशन आपके मॉड्यूल के अंदर में भी दिया हुआ है, मैं पूरा डिस्कशन वही ले रहा हूँ जो मॉड्यूल के अंदर में है। दया भागा एंड मिताक्षरा ये दो चीजें हैं, मैं आज आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बताने जा रहा हूँ। रीजन, आपको एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड एज टैक्सेशन ऑफ HUF। अब आप जितने पर्सन पढ़ रहे हैं ना, ये सब पर्सन का एक पूरा चैप्टर है आपको। टैक्सेशन ऑफ HUF, टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ कंपनी, टैक्सेशन ऑफ AOP BUI, ये सब एक पूरे पूरे चैप्टर है। इधर देखो, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वापस से इंडेक्स ओपन किया, इंडेक्स ओपन करते ही चैप्टर नंबर 12 टैक्सेशन ऑफ HUF, चैप्टर नंबर 10 टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ AOP BUI। तो इंटर में जो तुम सिर्फ नाम पढ़ते थे ना, अब इस नाम के पूरे चैप्टर को डीप डाइव करना है तुमको। समझ आ रहा है? इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है आपको, और ये आपके मॉड्यूल में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में कवर है। आइए वापस से चलते हैं। सर, सबसे पहले आपको दिया है इंडिविजुअल एंड HUF, दो स्कूल ऑफ थॉट है। पहला है दया भागा और दूसरा मिताक्षरा। एनीवन नोस? अच्छा, आप लोगों ने HUF के रिटर्न्स भरे हैं कभी? HUF का ऑडिट किया है?
नहीं, बहुत कम एचयूएफ से जो ऑडिट के लिए आते हैं। देखिए एचयूएफ का होल पर्पज ही है टैक्स इवेजन, सॉरी प्लानिंग, है ना। क्यों बनाते हैं हम लोग एचयूएफ, क्या लॉजिक है आज के तारीख में? देखो पहले तो भी होता था, देर वॉज अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, आज तो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं है ना। हम देख रहे हैं विद द एडवेंट ऑफ टाइम खुद होकर के घर न्यूक्लियर कर देते, भाई तुम झगड़ो मत, तुम खुद अलग अलग रह लो, सुखी रह लो, तुम भी सुखी रहो, हमको भी सुखी रहने दो, बराबर है कि नहीं? तो फिर आज ये कंसेप्ट रेलेवेंट है क्या? रेलेवेंट रखा गया है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स इवेजन, यस और नो? और ये लीगल टैक्स इवेजन है, लीगल टैक्स प्लानिंग है। अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, और कुछ सवाल एचयूएफ से रिलेटेड पूछता हूँ सिर्फ आपके नॉलेज एनहांस करने के लिए। देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स विद रिलेटेड टू एचयूएफ, पहला है दयाभागा और दूसरा है मिताक्षरा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दयाभागा इज एप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल, जबकि मिताक्षरा इज एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ इंडिया। दोनों के बीच में एक ही स्कूल ऑफ थॉट के बीच में डिफरेंस है। ये स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस है, एक दयाभागा कहता है कि बच्चे को जो राइट मिलता है, राइट, ये पिता के मरने के बाद मिलता है, जबकि मिताक्षरा बाय बर्थ उसको राइट दे देता है। मिताक्षरा जो उसको राइट दे देता है यू नो पेरेंटल प्रॉपर्टी में, वो बाय बर्थ दे देता है, बराबर है? सो अ सन हैज अ राइट इन द फादर्स प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अब चलिए कुछ और बातें बात करते हैं। एचयूएफ बनता कैसे है? इज देयर एनी एक्ट? जैसे पार्टनरशिप फर्म होगी तो पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी होगा तो एलएलपी एक्ट है। क्या आपने एचयूएफ के लिए ऐसा कोई एक्ट देखा है, पता है, नॉलेज है? नहीं सर, एचयूएफ का कोई स्पेसिफिक एक्ट ही नहीं है, ये बाय लॉ बनता है, यस और नो? तो अ पर्सन गेट्स एडमिशन बाय बर्थ, तो एचयूएफ का आपको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। जैसे पार्टनरशिप का आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में रजिस्टर कराना है, एलएलपी को एलएलपी एक्ट के अंदर में रजिस्टर कराना है, कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर कराना है, एचयूएफ को किसी एक्ट में रजिस्टर नहीं कराना होता, बराबर है? एचयूएफ को कहीं रजिस्ट्रेशन की कोई दरकार नहीं है। दूसरी बात, एचयूएफ बनता कैसे है? एचयूएफ बनता कैसे है? एनीवन, अज्यूम कर लीजिए मैं आया आपके पास एज अ क्लाइंट, मेरे को एचयूएफ बनाना है, बताओ भाई कैसे बनाते हैं? हाँ जी, कोई फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदू होना चाहिए, ठीक है, और अब एक्ट तो कोई है नहीं जहां जाके रजिस्टर कर लो, है ना, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फ्रेमिंग कुछ बनता है क्या उसका? हाँ, सिर्फ पैन कार्ड बनता है। आइए आपको डिटेल में समझाता हूँ। एचयूएफ बनाने के लिए इंडिया में आपको सिर्फ मैरिड होना जरूरी है ना, तो जरूरी नहीं है। अभी क्या ऐसा एंसिस्ट्रल बिजनेस करता ये वो एक्सेट्रा, ये सब गलत है। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, आपको ऑफिस में बड़ा काम आएगा। पहला कि सर एचयूएफ के लिए आपका मैरिड होना बहुत जरूरी है। पहली बात, हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल मैरिज का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है, हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, बराबर है? तो यहाँ पे जैसे ही आपका मैरिज होता है, दैट मैरिड कपल कैन अप्लाई फॉर एचयूएफ। एचयूएफ के लिए अप्लाई करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? आपको सिर्फ पैन कार्ड अप्लाई करना है एचयूएफ का। तो अज्यूम कीजिए विजय है, विजय की वाइफ पल्लवी है। अब क्या होगा, यहाँ पे तीन रिटर्न भरे जाएंगे, विजय का एक रिटर्न अलग, पल्लवी का एक रिटर्न अलग, एचयूएफ का एक रिटर्न अलग, बिकॉज एचयूएफ इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, बराबर है? तो एचयूएफ का एक सेपरेट पैन अप्लाई करना पड़ता है। पैन अप्लाई करने के साथ साथ आपको पैन से पहले एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, यानी विजय का बैंक अकाउंट अलग, पल्लवी का बैंक अकाउंट अलग, इनका एक ज्वाइंट अकाउंट बनता है इन द नेम ऑफ एचयूएफ। तो विजय पल्लवी एचयूएफ ऐसा एक बैंक अकाउंट बनेगा। तो अगर मैं प्रोसीजरल स्टेप बता दूं, सबसे पहले हम दोनों जन मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो नया बिजनेस है वो किसके नाम से रखते हैं, एचयूएफ। फायदा क्या होगा, सेपरेट पर्सन माना जाएगा, तो फायदा क्या होगा, बिजनेस को 250,000 का बेसिक से एग्जम्पशन लिमिट अलग से मिलेगा। तो विजय का 250 अलग, पल्लवी का 250 अलग, एचयूएफ को एक सेपरेट पर्सन मान के 250,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलग से दिया जाएगा। इसे ऑल टुगेदर एक सेपरेट पर्सन माना जा रहा है, बराबर है? तो अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अज्यूम कीजिए अगर विजय ऑलरेडी 30% ऑफ टैक्स में होगा, तो ये कभी सजेस्टेड नहीं है कि विजय के नाम से नया बिजनेस चालू किया जा सके। एट द सेम टाइम पल्लवी के नाम से भी सजेस्ट नहीं है, राइट? इसका एक और रीजन है, पूछो क्या, आपको क्लबिंग प्रोविजन याद है इंटर की थोड़ी सी? हस्बैंड अगर पैसा वाइफ को गिफ्ट करता है और वाइफ उससे बिजनेस करती है, तो अगेन इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, विजय। तो अगेन दैट इज नॉट सजेस्टेबल। इन दैट पर्टिकुलर केस थर्ड एंटिटी को खड़ा किया जाता है और विथ लीगल परमिशंस एचयूएफ। अब हम क्या करेंगे, एचयूएफ के नाम से एक नया एंटिटी खड़ा कर देंगे, जो पहला 2.5 लाख तक है उस पर तो 30% सेव हो गया ना लीगली, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगा। और एचयूएफ को बाद में जो टैक्स भी लगना चालू होता है वो इंडिविजुअल स्लैब रेट से लगना चालू होता है एज एन सेपरेट इंडिविजुअल।
तो इससे फायदा हो जाता है कि आप लीगल टैक्स प्लानिंग कर पाओ, एंड दैट इज द रीजन एचयूएफ्स को बनाया जाता है। एचयूएफ को बनाना कैसे, पहले विजय और पल्लवी डिसाइड करेंगे, फिर हम किसी बैंक में जाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद हम लोग पैन कार्ड अप्लाई कर देंगे, बस मैरिड होना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना, पैन कार्ड अप्लाई कर दो। जैसे ही पैन कार्ड बन के आया, आपका एचयूएफ स्टार्ट हो गया। यू डोंट नीड अ फॉर्मल पार्टनरशिप डीड लाइक समथिंग टू रन अ एचयूएफ, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से एचयूएफ चालू हो जाता है। एंड क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल में नहीं हैं, तो आप मिताक्षरा के अंदर ही क्या किए जाएंगे, गवर्न किए जाएंगे। एचयूएफ के पैन कार्ड पे साइनिंग अथॉरिटी कौन होता है, आप जिसे भी कर्ता मानते हैं वो असाइन हो जाता है। तो आप जब फॉर्म भरते हैं पैन का, तो उसके अंदर में लिखना होता है हु विल बी एक्टिंग एज अ कर्ता, बिकॉज ही विल बी द पर्सन हु विल बी साइनिंग द रिटर्न। समझ में आ रही बात। साथ साथ में आपको एक लेटर भी लिख करके देना पड़ता है बैंक को कि भैया इस दोनों बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ऑपरेशन कौन हैंडल करेगा एज करता। तो आप उसी के अंदर में मेंशन करके देते हैं, जिसको इनकम टैक्स कोरिलेट करता है कि हाँ यहाँ पे भी यही करता मेंशन है, यहाँ पे भी यही करता मेंशन है, क्योंकि एक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नोटिस एक्सेट्रा सब कुछ किसके नाम पे आएंगे, करता। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा कौन है बेटा एचयूएफ, तीसरा कौन है बेटा फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में व्हेनेवर दे मेंशन द वर्ड फर्म, फर्म आल्सो इंक्लूड द वर्ड एलएलपी। यस, लेकिन इनकम टैक्स में दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पे फर्म डू नॉट इंक्लूड एलएलपी, मतलब दैट सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू फर्म एंड नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। और ये सेक्शन है सेक्शन 44AD, 44AD है, याद दिला देता हूँ ये भी क्या है। 44AD वो 6% 8% ऑफ टर्नओवर, 44AD है प्रोफेशनल 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, है ना। तो पीजीबीपी के ये दो सेक्शन के लिए फर्म इंक्लूड्स ओनली फर्म नॉट एलएलपी, फर्म इंक्लूड्स ओनली फर्म एंड नॉट एलएलपी। बाकी पूरे इनकम टैक्स में भी जहां जहां पे भी फर्म आएगा एलएलपी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है बेटा कंपनी। इनकम टैक्स में कंपनी दो प्रकार की, पहला डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी। टैक्सेशन ऑफ कंपनी नाम का वर्ड आएगा, हम वहां डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक कौन सी होती है, फॉरेन कौन सी होती है, राइट। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस, क्योंकि आई एम श्योर आपने ऑफिस में इस बारे में कभी काम नहीं किया। AOP BOIs में तो कभी काम करने नहीं मिलता है, यस और नो। तो AOPs और BOIs में डिफरेंस क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई एक ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर में ओनली इंडिविजुअल्स ही मेंबर है, तो हम उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नाम देते हैं, यस और नो। अभी जैसे मुझे एक बात बताइए, ये मजदूर कामगार संघ होता है या इंडियन रेलवे मजदूर यूनियन है, तो अब इसके अंदर में जितने भी मेंबर्स है उस एसोसिएशन में, उस ट्रस्ट के अंदर में, वो सारे के सारे कौन है, इंडिविजुअल्स है, बराबर है। मजदूर संघ जितने भी हुए, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब के अंदर में जितने भी लोग होंगे ये सारे कौन होंगे, इंडिविजुअल, राइट। रोटरी क्लब, स्टार क्लब, ट्विंकल क्लब, इस सब के अंदर में कौन होंगे बेटा, इंडिविजुअल्स ही मेंबर्स होंगे। तो इनको इनकम टैक्स में क्लासिफाई किया जाता है एज BOI, एज BOI। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स कोल एसोसिएशन इंडिया, तो इसके अंदर में सारे कौन होंगे, इंडिविजुअल्स। आपने एक और चीज सुना होगा, ऑफिस में जरूर देखा होगा अगर आप महाराष्ट्र में, BCAS, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, ये एक है आपकी BCAS, आपके ऑफिस में जरूर होगा देखना, BCAS, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, बराबर है। ये सारे प्रोफेशनल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। या फिर MPF करके फोरम होता है, महेश्वरी प्रोफेशनल फोरम्स, जिसके अंदर में सारे प्रोफेशनल लोग मिलकर के आते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बिजनेस प्रमोट करते हैं विद इन द सेम कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी के अंदर में जितना भी फंड कलेक्ट हो रहा है, ये आप एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कलेक्ट कर रहे हैं, तो सभी से क्या लिया जाता है, कॉमन कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, इसकी FD बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, एंड देन एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड इज कैरिड ऑन। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल JV, एक ज्वाइंट वेंचर ही एक एग्जाम्पल है किसका, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, जहां पे एक आदमी अपनी लैंड लेके आता है, कुमार बिल्डर्स उसके ऊपर बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेकर के आता है, एंड दोनों अग्री करते हैं प्रॉफिट को क्या करने का, शेयर करने का। सो वन पर्सन इज इंडिविजुअल, कुमार बिल्डर्स इज अ कंपनी। इंडिविजुअल एंड कंपनी कम टुगेदर टू फॉर्म अ JV इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ में आ रही बात, इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो JVs इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ AOP BOI। हालांकि दोनों का टैक्सेशन सेम है, AOP एंड BOI को अलग अलग नहीं किया जाता, इसे एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। देन आता है बेटा आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन आ गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, राइट, ये आ गए आपके लोकल अथॉरिटी। और मान लीजिए अगर आप इसमें से कहीं पे भी नहीं आ रहे, तो आप किस पे फॉलो हो रहे हैं, AJP। किसमें फॉलो हो रहे हैं आप, AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सो मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, लेकिन इस ट्रस्ट का अब तक अप्रूवल नहीं आया है, ये ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ,
तब तक के इनकम टैक्स में इसे कैसे गवर्न किया जाता है, तब तक के इनकम टैक्स में इसे एजेपी बोल के गवर्न किया जाता है। ये सुनो, तो मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, अब जैसे कोई मंदिर था, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए किसी जगह पे कोई स्वयंभू भगवान की मूर्ति मिली, बराबर है, अब वहां के लोग श्रद्धा के हिसाब से उस मूर्ति को बना देते, पैसा लगा के क्या बना देते, मंदिर भी बना देते, और उस मंदिर में अब क्या चालू हो जाता, डोनेशन आ जाता, चालू हो जाता। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इसे इनकम टैक्स में पर्सन बना दिया जाए, क्यों ना इसका एक ट्रस्ट बना दिया जाए इस मंदिर का। अब ये लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन देते चैरिटी कमिश्नर के पास, पर प्रॉब्लम क्या है, जब तक चैरिटी कमिश्नर अप्रूव नहीं करता तब तक के ये ट्रस्ट एक्चुअल ट्रस्ट नहीं बनता, बराबर है। पर तब तक के उसको इनकम तो आ ही रही है, अज्यूम कीजिए इसमें ईयर चेंज हो गया, अज्यूम कीजिए इसमें इनकम चेंज हो गया, तो पिछले साल जितना भी उस मंदिर ने या ट्रस्ट ने अर्न किया है इसको टैक्स तो करना पड़ेगा। अब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है जो रजिस्टर्ड है, तो अब आपको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा इनकम टैक्स में एज एजेपी, बराबर है। सो मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन अब तक इसको अप्रूवल नहीं मिला इनकम टैक्स का, तो अगर ये यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाए चैरिटी कमिश्नर से, तो ये बन जाते एओपी बीओआई। इनको अगर अप्रूवल नहीं मिला तो तब तक की इनकम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एजेपी। आर यू गेटिंग द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यस और नो, राइट। तो चलो, पर्सन के डेफिनेशन में कितने लोग हैं, 7, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, कुछ नहीं समझ में आ रहा, AJP, क्लियर है। पर्सन की डेफिनेशन से ज्यादा रिलेवेंट है असेसी की डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही है, ये डेफिनेशन काम की है, इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो ये डेफिनेशन काम की है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंडिया की कोई भी टेस्ट सीरीज देख लो सीए फाइनल की, अगर DT का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है तो उसमें असेसी का डेफिनेशन मैंडेटरी है, बिकॉज लगभग लगभग 7 to 8 टाइम्स दिस डेफिनेशन हैज बीन आस्क्ड, और ये हम लिखेंगे भी, बराबर है। चलिए असेसी का डेफिनेशन देखते हैं। असेसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। जब डेफिनेशन ये आई थी ना, इसके अंदर में सिर्फ इतना ही वर्ड था, असेसी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेएबल, बाय हुम एनी टैक्स इज पेएबल। फिर एक केस आया, केस के अंदर में डिपार्टमेंट ने क्या किया, टैक्स दिया, इंटरेस्ट दिया, पेनल्टी दिया, और ऐसा तीनों बना करके असेसी के हाथ में पकड़ा दिया। असेसी इतना शातिर कि उसने सिर्फ टैक्स पे किया, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे ही नहीं किया। डिपार्टमेंट ने बोला मैं तेरे पे पेनल इंटरेस्ट लगाऊंगा, असेसी ने कहा पेनल इंटरेस्ट लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपने मेरे को सिर्फ क्या कहा था, मैं असेसी हूँ, सिर्फ क्या पे करना है, टैक्स। तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि यार ये तो इंटरप्रिटेशनल इशू हो गया, इन्होंने फिर डेफिनेशन को अमेंड किया और वर्ड ऐड किया टैक्स और एनी अदर सम। अब ये एनी अदर सम में सब आ गया, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एवरीथिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो असेसी मींस एनी पर्सन, ओ हो हो, असेसी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा ये लाइन कितनी सही है बताइएगा, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी। Is this line correct or incorrect? Every assessee is a person, but every person is not a assessee. Is it true or false? True. Sir, कैसे? अरे सर देखिए ना, हम assessee उसी को कह रहे हैं जो कोई टैक्स पे करने के लिए एप्लीकेबल है। अज्यूम कीजिए विजय इंडिविजुअल, विजय की इनकम ही 2 lakh है। इज विजय अ पर्सन? यस। इज विजय assessee? नो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब बताइए विजय की इनकम 3 lakh है, इज विजय असेसी? यस, बिकॉज ही इज लायबल टू पे टैक्स, फॉरगेट अबाउट द रिबेट फॉर द टाइमिंग, राइट। इज विजय लायबल टू पे टैक्स? यस। इज विजय आल्सो अ पर्सन? यस। सो एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन मे और मे नॉट बी अ असेसी, यस और नो, राइट। सो एवरी असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken up for assessment of his income. ab dekhiye aapne khud hokar ke tax pay nahi kiya, don't you think department ke paas bhi ye right hona chahiye ki aapko notice bhej karke aap pe assessment kiya ja sake ki aapki income hai ya nahi hai, isliye ek aur word add kiya
एंड इंक्लूड एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन अप. अगर उसको नोटिस भेज करके उसकी इनकम असेसमेंट के लिए ली होगी तो भी उसे क्या माना जाएगा, असेसी. तो जरूरी नहीं है, पहला आपने खुद होकर के टैक्स पे कर लिया, यू आर असेसी, बट अगर आपके नोटिस भी भेज दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो भी आप क्या माने जाएंगे दोस्त, असेसी माने जाएंगे. यस और नो? असेसमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड मिला असेसमेंट. असेसमेंट मतलब क्या होता है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपकी इनकम टैक्स कंप्यूट करे, टैक्स पेबल या रिफंड इशूड कंप्यूट करे, तो इसे हम कहते हैं असेसमेंट. इसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब एओ जब आपकी इनकम असेस करना चालू कर दे, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं असेसमेंट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो असेसी मींस एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेबल और एनी सम अंडर द एक्ट इज पेबल और आपके ऊपर क्या चालू है, कोई प्रोसीडिंग चालू है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इफ ही इज असेसेबल फॉर हिज इनकम और लॉस. अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लबिंग. क्लबिंग के अंदर में होता क्या है, इनकम इज रिसीव्ड बाय सम अदर पर्सन बट टैक्स इज पेड बाय अनदर पर्सन. तो अब मुझे एक बात बताइए, किसी और पर्सन का इनकम टैक्स अगर मुझे पे करना है तो पहले मुझे असेसी बनाना जरूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब जाके आप मेरे को नोटिस भेज पाओगे, तब जाके आप मेरे पे इंटरेस्ट टैक्स कलेक्ट कर पाओगे या टैक्स इवेजन के रिलेटेड नोटिस दे पाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इफ ही इज असेसेबल फॉर हिज इनकम और लॉस. तो पहला, everybody repeat with me, assessee means every person by whom any tax or other sum is payable and includes every person in respect of whom proceeding has been taken up for assessment or in respect of other person if he is liable for his income or loss. Barabar hai? Chalo wapas se third revision. Assessee means every person who is liable to pay tax or any other sum under the act and includes any person on whom any proceedings has been taken up by the department or in respect of other person if he is liable for his income or loss. Getting the point, right? Sirf itna hi nahi, deemed assessee bhi iske andar mein aata hai. Deemed assessee, every person who is deemed to be assessee under the provisions of the act. अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अब देखिए कंपनी हो गया, फर्म हो गया, राइट? अगर इनको नोटिस इशू किया, वेदर दे विल कम फॉर द असेसमेंट इन डिपार्टमेंट? नो. सो देर वुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल टेक ऑन द असेसमेंट ऑन देयर बिहाफ. लेट्स से इन केस ऑफ अ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, लेट्स से इन केस ऑफ फर्म वर्किंग पार्टनर, इन केस ऑफ LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अ CEO ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. यस और नो? सो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है इनके लिए क्या किया जाता है, इनके जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, CEO है, इन्हें डीम्ड असेसी माना जाता है. तो नोटिस जो इशू की जाती है, कैसे इशू की जाएगी मैं आपको बताऊँ, विजय सारडा ट्रस्टी, विजय सारडा ट्रस्ट, समझ में आ रही बात? तो दे आर डीम्ड टू बी असेसी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो? तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज अ डीम्ड असेसी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो कंपनी की जो नोटिस इशू होंगी वो किसके नाम पे इशू हो जाएगी, कंपनी के नाम पे, रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स. बराबर है? असेसी में एक और पर्सन आता है, असेसी इन डिफॉल्ट. तो असेसी में तीन लोग आते हैं, पहला एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, दूसरा डीम टू बी असेसी, तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट. तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कहना चाहूँ, देर आर थ्री पर्सन इन असेसी, पहला एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, दूसरा डीम्ड असेसी और तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? असेसी इन डिफॉल्ट. अभी असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है जरा अंडरस्टैंड कीजिए. अज्यूम कीजिए विजय है, विजय की टोटल इनकम ही साल भर की 2 लाख रुपए है, बराबर है? पर विजय किसी को पेमेंट करता है विच इज सब्जेक्ट टू TDS, विच इज सब्जेक्ट टू TDS एंड विजय हैज नॉट डिडक्टेड TDS. अब सिचुएशन समझिए क्या है, विजय की टोटल इनकम 2 लाख रुपीज है, विजय कोई पेमेंट करता है विच इज सब्जेक्ट टू TDS, विच इज सब्जेक्ट टू TDS. लेट से विजय लॉटरी वाला है, लॉटरी विनिंग का पेमेंट करता है, विजय को टैक्स डिडक्ट करना है, विजय की नेट इनकम 2 लाख की है. अब विजय TDS डिडक्ट नहीं करता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्शन लेना है, एक्शन लेने के लिए उसे क्या बनाना जरूरी है, असेसी.
क्योंकि पूरे इनकम टैक्स में पर्सन वर्ड बहुत कम जगह यूज्ड है, 99% जगह वर्ड असेसी यूज्ड है। अब अगर असेसी है तो आप सोच करके बताओ क्या होगा, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, उसकी इनकम ही 2 लाख है, यहाँ वो असेसी बना ही नहीं, वो डीम्ड असेसी भी नहीं है क्योंकि वो खुद इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है, अब उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया जा सकता अगर डेफिनेशन इतनी ही रखते थे तो। एक्शन लेना है तो एनीवन हु इज इन डिफॉल्ट ऑफ इनकम टैक्स इसे भी तो असेसी बनाना पड़ेगा, इवन दो ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। समझ में आ रही बात? सो ये पर्सन, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, लेट्स से इफ अ पर्सन हैज फेल्ड टू डिडक्ट टीडीएस इवन दो ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, बट अगर उसने टैक्स का डिफॉल्ट किया है तो उसे भी नोटिस दी जा सकती है अज्यूमिंग ही इज अ असेसी। बताओ असेसी में कौन कौन आ गए? जनरली 3 लोग। पहला एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, फोर्थ रिविजन एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ही इज लाइबल, डीम टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, डीम टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट। चलो सिक्स्थ रिविजन एक और बार कर लो, असेसी मतलब कौन हुआ? बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप स्पीक अप, आप जहां कहीं भी बैठे हो स्पीक अप। हाँ, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स and includes person on whom any proceeding is going on in respect of other person if he is liable, or though deemed to be assessee, assessee in default, khatam. Seventh revision, ek aur bar kaam khatam, jaldi se bolo. Every person who is liable to pay tax, dusra, and include person on whom any proceeding is going on in respect of other person if he is liable for his income or loss, deemed to be assessee, assessee in default. Clear hai malik? Yes. Chalo, is assessee ki definition ko aapko register mein copy karna hai. Fat se. As I said, jitna important hai hum utna hi likhenge. Assessee means every person by whom any tax
सर चलिए देन सर दैट्स इट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा व्हाट वी डिड टुडे, राइट। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आज हमने क्या किया, सबसे पहले आकर के हम लोगों ने पेपर पैटर्न डन किया। पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, टू हैव अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद हमने आकर के देखा कि भैया इनकम टैक्स का स्कोप क्या है। इनकम टैक्स के स्कोप में कितनी चीज़ें, 5 नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्ट, रूल्स एंड जुडिशियल अपडेट्स, यस और नो। फिर हमने देखा कि क्या इनकम टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या आर्टिकल 265 टैक्स लगाने का पावर देता है, 246 रीड विद शेड्यूल 7 इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देता है, राइट। टैक्स के साथ साथ सेस एंड सरचार्ज भी कलेक्ट किए जाते हैं। सरचार्ज यूनियन के द्वारा रखा जाता है, सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है, एंड टैक्सेस जो है वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइड कर देते हैं प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के अप्रूवल के बेसिस पे। फिर हम देखते हैं कि सर बजट आता है, बजट जो आता है ये साल में एक बार आता है 1 फरवरी के दिन, इलेक्शन में 2 बार आता है, जिसे इंटरिम एंड फाइनल बजट कहा जाता है, यस और नो। आप लोगों के लिए जो बजट एप्लीकेबल है MN25 के लिए, ये कौन सा है, बजट 24 1 और 2 बोथ, यस और नो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर मे एंड नवंबर अटेम्प्ट एज वेल, यस और नो। अच्छा जी सर, इसके बाद हमने देखे डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होते हैं, एंड IDT के अमेंडमेंट्स इमीडिएट इफेक्ट से क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिर हमने बात करी द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, 298 सेक्शन है इसके अंदर में, और इनकम टैक्स एक्सटेंड करता है 200 नॉटिकल माइल्स इन द वाटरवेज, यस और नो। हालांकि ये डेफिनेशन कस्टम्स के लिए रिलेवेंट है, इनकम टैक्स के लिए नहीं। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बेसिस ऑफ चार्ज कहता है इनकम टैक्स पेबल है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट में लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। पर्सन के वर्ड को हम ढूंढने निकले, सबसे पहले पर्सन और एसएससी दोनों ओपन करके आ गए। पर्सन डिफाइंड था 231 में, 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BUI, AJP, फर्म, कंपनी, यस और नो। पर्सन के बाद हमने देखा कि पर्सन ही नहीं, इनकम टैक्स में एक और वर्ड को यूज किया जाता है, वो है असेसी। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इफ ही इज असेसेबल डीम्ड टू बी असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट, ये सब कौन बनते हैं, असेसी। आज के पूरे लेक्चर के अंदर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज थी वो थी असेसी की डेफिनेशन, यस और नो। हमने बुक के अंदर तो 3 पेज पढ़ लिया, रजिस्टर में हम शायद रफली सिर्फ 1 या 1.5 पेज ही लिख पाए, वो भी शायद नहीं, सिर्फ रिलेवेंट पार्टी हम उसके अंदर में क्या कर पाए, लिख पाए, और उतना ही काम की चीज है, राइट। डेली बेसिस पे ये लेक्चर रहेगा यूट्यूब के ऊपर, करीब हमारे 5 लेक्चर डेमो के रहेंगे, जिसको भी देखना है उसके लिए 5 लेक्चर डेमो के रहेंगे डेली 7:15 से लेकर के 10 तक के हमारा टाइम रहेगा। तो सुबह आकर के नाश्ता वाश्ता करके आइएगा बिंदास, 7:15 से हमारा टाइम रहेगा, राइट। और अगर आप लोग परमिट करें तो हम 7 से भी कर लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये सुनो, हम 7 से भी कर लेंगे। एंड डेली यू नो 10 या 10 को 5 कम होगा तब हम लोग हमारा ऑफिस रख देंगे, क्योंकि आप लोग को ऑफिस भी जाना होगा, यस और नो, राइट। सो एज परमिटेड अभी तो डेली के बेसिस पे 7:15 से हमारा लेक्चर रहेगा। दूसरी बात, इनिशियली ये सैटरडे को छोड़ करके इनिशियली फॉर मे बी 1 और 2 वीक हमारा सैटरडे एंड संडे बोथ ऑफ रहेगा। इसका रीजन बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट एक बार अप्रूव होके आ जाए तो हम अपडेट करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ आप जितना पढ़े वो सब अमेंडेड पढ़े, यस और नो।
तो बेसिक पार्ट जितना भी है ये पूरा का पूरा अमेंडेड है। तो मे बी मेरे को लगता है फर्स्ट या सेकंड वीक तक के ही सिर्फ ऐसा रहेगा कि हमारा सैटरडे एंड संडे दोनों ऑफ रहेगा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीम के अंदर में, ये पॉइंट उनके लिए राइट, लाइव स्ट्रीम या फेस टू फेस में है, सैटरडे एंड संडे हम बोथ ऑफ रखेंगे। कल या परसों जो आ रहा है उसके अंदर में हम लेक्चर ले रहे हैं, जो नेक्स्ट सैटरडे है एंड संडे है वो ऑफ रहेगा, बराबर है राइट। क्योंकि एक बार पूरे अमेंडमेंट आ जाए, अमेंडमेंट फिक्स हो जाए। इसके बाद एक और चीज़ का आपको मैं बता देता हूँ, एज ऑफ नाउ यू विल गेट ओनली मॉड्यूल वन। मैंने आपको सारी बुक्स बोली, उसमें से सिर्फ आपको मॉड्यूल वन मिलने वाला है राइट। उसमें भी पहले जो चैप्टर है राइट, जैसे चैप्टर नंबर 1 2 है, जब तक के बुक प्रिंट होके आ रहा है तब तक के आपको पीडीएफ में मिलेगा। जैसे ही आएगा आपको बुक यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया जाएगा फेस टू फेस वालों को एंड ऑनलाइन वालों। आपको पहले एक या दो चैप्टर जो है ये पीडीएफ में देखना है, जैसे बुक प्रिंट होकर के आता है हम लोग आपको भी सेंड करना चालू कर देंगे। यू विल गेट मॉड्यूल वन राइट नाउ वंस द फाइनेंस एक्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड, उसको अप्रूवल मिल जाता है, देन कंप्लीट जो फाइनल अमेंडमेंट है ये आपको मॉड्यूल टू के अंदर में मैं डाल करके दे दूंगा। उसमें अगर मॉड्यूल वन से भी रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट होंगे तो वो हम सबसे पहले डाल के दे देंगे। प्लस जैसे ही फाइनेंस एक्ट आ जाता है, इसके बाद आपको लेट से विद इन 30 डेज मैक्स आपको क्वेश्चन बैंक एंड चार्ट भी मिल जाएगा। यस, तो जो लोग ऑनलाइन के अंदर में है अभी आप लोग को सिर्फ क्या मिलने वाला है, चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएंगे जब तक के हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक के, एंड आपका मॉड्यूल वन हम लोग जैसे ही आता है प्रिंट करके भेज देंगे। जस्ट बेयर विद अस फॉर लेट से मैक्स 30 डेज, आपको मॉड्यूल टू चार्ट एंड क्वेश्चन बैंक भी पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्लियर है। ताकि एक बार अमेंडमेंट फिक्स हो जाए फिर हम सबका सब आपको दे देंगे। डन है मालिक? यू नीड अ 400 पेज रजिस्टर एवरी डे फॉर राइटिंग एंड अदर पर्पजेस एंड दैट्स इट। डन है मालिक? दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखें, एंड एंड जिस किसी को भी लेक्चर एंड बाकी चीज़ें लेनी है या टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट करना है, अपने लेक्चर एक्टिवेट करके रखना है, हैव दिस नंबर विथ यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर।